राइट, ज्योग्राफी ऑप्शन पे हम लोग अपनी बातचीत शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बात को देखा कि इसका वेटेज कितना है, दो पेपर में, पेपर वन और पेपर टू, 250-250 मार्क्स के दो हिस्से हमारे बनते हैं। इसकी खास बात हमने ये समझा कि ये डेरिवेटिव सब्जेक्ट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन जो हैं पिछले दो सालों से वो ज्योग्राफी से जा रहे हैं। राइट, और ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत यूपीएससी इसके लिए बायस्ड है या कुछ अच्छा कर रहा है, इसका कुछ कारण कल मैंने एक्सप्लेनेशन किया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों में क्या कर देगा, कंपनसेशन कर देता है। राइट, कम से कम 300 प्लस मार्क्स आप जो है वो एसए और इंटरव्यू में अपना जो रिटर्न पेपर है जीएस का, खासतौर पे पेपर वन और पेपर थ्री, वहां पर क्या कर सकते हैं, अपना कंपनसेशन कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ 500 मार्क्स नहीं है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप वाकई में इसके साथ प्ले कर जाते हैं, इसको सही ढंग से अगर खेल ले जाते हैं, तो ये आपको जीएस में बहुत तरीके से लेकर जाएगा। फिर अगली बात हमने ये की थी कि दो तरीके का सेगमेंट होता है, एक हमारा रेंज होता है 270 से 280 वाली रेंज, ठीक है, वन साइडेड रेंज होती है। सेकंड आपकी जो रेंज मूवमेंट करती है, राइट, सेकंड जो आपकी रेंज मूवमेंट करती है वो 310 टू 320, ये दो रेंज जो है वो मूवमेंट करती है। पहला मेरा जो मकसद रहेगा विद द हेल्पिंग कंप्लीटिंग द सिलेबस, पहले मैं आपका जो 270 से 280 मार्क्स कंप्लीट करा दूं, ठीक है। ये कंप्लीट होते ही आप बहुत हद तक निश्चिंत हो जाओगे कि मेरी कॉल आ रही है इंटरव्यू की। इंटरव्यू तक पहुंचाना जो है, अगर आप मेरे तरीके से काम करोगे तो इंटरव्यू की कॉल तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, स्ट्रेटजिकली अगर काम करोगे तो। यूपीएससी बहुत आप लोगों ने बताया होगा लोगों ने कि बहुत मेहनत वाला खेल है, नहीं, ये रणनीति का खेल है। बहुत मेहनती लोग किनारे रह जाते हैं, और जिनकी स्ट्रेटजी टू द पॉइंट होती है, जिनको पता होता है कि कब कहां दांव खेलना है, कब आगे जाना और कब पीछे आना है, वो बहुत आराम से एक या दो अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। और हमारे आपके ही बीच क्लास में बहुत सिंपल सा शांत सा बच्चा बैठा होता है, पता ही नहीं चलता, और जब रिजल्ट आता है तो पता चला वो लिस्ट में है, और आप जो धूम धड़ाके के साथ क्लास में बहुत कूद फांद कर रहा था वो लिस्ट से बाहर होता है। उसका सारा जो खेल होता है वो रणनीति का खेल होता है। तो आपको पूरे होलसम सिलेबस को नहीं देखना है, राइट, पूरे होलसम सिलेबस को नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि भाई मेरे को कहां से कैसे उठाना है। तो ज्योग्राफी ऑप्शन को आप अपने कोर में लेकर आओ, इस तरह का यहां पर बात करेंगे, दो तरीके से हम यहां पर पढ़ेंगे। नंबर एक, आपका ऑप्शनल तो कंप्लीट हो ही हो, इसके साथ साथ आप जीएस एसए इन दोनों में जो है अपनी अच्छी पकड़ बना सको, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको अंदर लेकर जाएगा। राइट, यहां पर हम बात करेंगे। तो इसके साथ साथ आपका सेकेंड वाला जो है वो प्रिपरेशन होना चाहिए। याद रखना, कंपटीशन में एक नियम काम करता है, ठीक है, तैयारी हमेशा जो है अपनी सर्वश्रेष्ठ करनी चाहिए, लेकिन तैयार हमेशा सबसे बुरे के लिए रहना चाहिए। तो मैं ये मान के हमेशा चलता हूं कि जब क्लास में प्रिपरेशन हो तो हाईएस्ट लेवल पर जाकर हो, लेकिन आप हमेशा अपने सबसे बुरे पेपर के लिए तैयार मानकर आप एग्जाम में बैठो। मतलब वर्स्ट से वर्स्ट पेपर आ जाए तो भी मैं अपने आप को क्या करूं, मैनेज कर ले जाऊं, मेरे फेवर में आ जाए, खैर तो वो तो बल्ले बल्ले, टॉप 10 रैंक में हम अपना देख लेंगे बातचीत। लेकिन अगर सबसे वर्स्ट पेपर आ रहा है उस साल का, तो भी मैं अपने आप को क्या करूं, सिक्योर करके अंदर लेकर चला जाऊं, मेरी रैंक आ जाए, इतना हो जाए मेरा, ठीक है, नहीं आईएएस मिले तो आईपीएस में हम अपना डील कर लेंगे, अगले साल फिर देखा जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो यहां पर हम दोनों चीजें मेंटेन करते चलेंगे। कल मैंने आप लोगों को जब सिलेबस डील किया, इसीलिए मैंने बहुत बारीकी से जो है वो सिलेबस के बारे में बताया। तो जो सक्सेस का फर्स्ट स्टेप होगा, ये बिल्कुल आप ध्यान रख लो, कल मैंने थॉट मैपिंग किया था, सिलेबस को मैंने एक एक पॉइंट में ब्रेक कर दिया था, एक पूरी क्लास मैंने सिलेबस को डिफाइन करने में लिया था। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे खास बात है, नंबर वन, अगर तुम इस रेंज के लिए जाना चाहते हो, यानी कि पहले तुम अपना 270 से 280 मार्क्स 500 में सिक्योर करना चाहते हो ढंग से, तो सबसे पहले तुम्हें काम करना पड़ेगा सिलेबस का एंड टू एंड मूवमेंट करना पड़ेगा। पहला नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, अगर ये स्किप हुआ तो तुम गए काम से। यानी कि तुम्हें पहली बात इसमें मेरे एक एक यूनिट में 20 यूनिट है टोटल, दोनों पेपर में मिलाकर 10, पेपर वन में 10, पेपर टू में 10, पेपर वन में मैंने क्या कल बताया, यानी कि इसमें जो है वो 10 में से पहली यूनिट में 20 टॉपिक हैं, दूसरे में 14 टॉपिक हैं, यही हमने कल डिस्कस किया था, और सारा हम जो डिस्कस करते हैं फिर 11 टॉपिक, इस तरह करके हमें वो टॉपिक्स एकदम दिमाग में होने चाहिए। इतना सिंपल सा स्टेप है, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए। अब जियो मैग्नेटिज्म पर एक ही क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, भू चुंबकत्व सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिलेबस का पूरा एकदम दिमाग में खाका तैयार होना चाहिए। इसीलिए कल मैंने इतनी मेहनत की, वो क्या वर्ड यूज कर रहा है, वो उसकी रेंज क्या है, वो पूछना क्या चाहता है। राइट, जो जिन लोगों से नहीं अभी कल आए थे वो कम से कम आज नोट डाउन कर लेंगे, मैंने उसको पॉइंट वाइज सारा दे दिया। तो सिलेबस पहला जो है, मैंने क्या बताया, जो यूनिट चल रही है उसका सिलेबस सामने दीवार पर चिपका दो,
तुम्हें सिलेबस स्किप नहीं होना चाहिए, पहला है। अगर आप सिलेबस वन टू यानी एंड टू एंड जितने उसमें वर्ड मैंने यूज किए थे तोड़ के, ठीक है, उतने अगर आप खाली उनका दायरा भी पढ़ते चले गए कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, मुझे कोई शक नहीं है कि 250 मार्क्स, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी लेखन क्षमता है, 250 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे। इसके बाद क्या बताया था, सेकेंड एंड, यहां हमें पहुंचना है। ये आने का मतलब है कि तुम 100 रैंक में आ गए, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी जीएस ऑटोमेटिकली डेरिवेट कर देगा। पिछले साल का पेपर मैंने क्या बताया था, उठाकर जीएस का पेपर रख लो एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ ऑप्शनल का पेपर रख लो, और ऑप्शनल का पेपर पढ़ने के बाद जब जीएस का पेपर पढ़ोगे तुम्हें 15 क्वेश्चन एज इट इज तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज है, वही क्वेश्चन उठाकर इसमें रखा है। 15 क्वेश्चन मतलब समझ लो 150 मार्क्स हो गए, बिना कुछ हिला डुला है, बिना कुछ इधर उधर किए, आपको बिना मेहनत किए 150 मार्क्स क्या दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, फ्री है, एक तीर से दो निशे, जैसे कहते हैं ना टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री, वैसे यहां मिल रहा है ऑप्शनल के साथ जीएस फ्री, ये दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहां पर, आपको ये मूवमेंट करना है। इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका 40 से 50 नंबर का मूवमेंट होगा, ये उन्हीं के लिए मूवमेंट होगा। मारे कहां जा रहे हैं बच्चे, पेपर टू में, पेपर टू में मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं ये भी समझ लो, वो इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि पेपर टू में जो 4 यूनिट है 10 में से, उसके लिए बुक्स अवेलेबल है। जैसे मस्जिद हुसैन हो गया, खुल्लर हो गया इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, ये बुक्स अवेलेबल है। लेकिन जो रिमेनिंग 6 टॉपिक हैं, ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है, ठीक है। मतलब जिसकी करंट अफेयर्स पे पकड़ स्ट्रांग है वो अगले 6 टॉपिक में बहुत अच्छा करेगा, ठीक है, एज ले जाएगा, अच्छा नहीं वो सीधे स्ट्राइक मारेगा, बहुत बढ़िया। और इतना बढ़िया सिलेबस ये सजाया गया है कि जिसने ये 6 टॉपिक कमांड कर लिया, अब वो मारेगा जीएस पेपर टू में, बहुत बढ़िया यहां से। तो कुल मिलाकर ये इतना बढ़िया बनाया गया है इसको सिलेबस को, कि अगर इस सिलेबस को आप पूरा ओवरऑल गो थ्रू हो जाते हैं तो आप अपने जीएस में बहुत अधिक हद तक संभाल लेंगे। और कल मैंने आपको क्या बताया, जब हम लोग यूनिट 4 यूनिट 5 में डील कर रहे थे तो वहां से तुम्हें एससे का टॉपिक मिलना है भाई, ठीक है, एससे का 125 नंबर का टॉपिक मिलना है। अगर तुम मरी से मरी हालत में भी तुम 60 नंबर 125 में ला सकते हो, बड़े आराम से ला सकते हो, तो बड़ा एज आ जाएगा तुम्हारे में, ठीक है, मरी से बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए। मेन बात क्या है कि बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए। तो कुल मिलाकर जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको लगभग 750 मार्क्स का खेल खेलना है कॉल के लिए, तब आपको बुला लिया जाएगा, इनवाइट कर लिया जाएगा, आ जाओ भाई, ठीक है, 750 से 800 बहुत है, ये इतना मोर देन इनफ है, इतना तुम्हें खेल खेलना है। और ये तुम बड़े आराम से इसी को जो है अपना थोड़ा सा ब्रॉड बेस बढ़ाते हो, अगर खेलते हो तो तुम्हारी कॉल आ जाएगी। इतना तुम्हें मान के चल रहा हूँ कि एथिक्स में 110 नंबर तो तुम खींच लाओगे 250 में, इतना तुम्हें मान के चल रहा हूँ कि भाई 100 से 120 नंबर के अंदर मार्जिन तुम लेकर चले जाओगे। और उसके लिए मैं तुम्हें 3-4 किताबें बता देता हूँ, अभी से आधा आधा घंटा पढ़ना शुरू करो, तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं आएगी। 4 किताबें तुम्हारी बेस होनी चाहिए, ठीक है, तो इतना आप लेकर आओगे तुम्हारी इंटरव्यू की कॉल तो आ जाएगी। इसीलिए कल मैंने आपसे बताया था सिलेक्शन दो तरीके से होता है यूपीएससी में। लोगों को लगता है कि भैया 2018-2019 में सिलेक्शन लेना है, ऐसे होता है सिलेक्शन, पहले अंदर घुसा जाता है, ठीक है, ये आपकी दीवार है, इसको तोड़कर अंदर घुसा जाता है। ऑप्शनल जो है वो इस लाइन को क्रॉस करा देता है, ये यूपीएससी की कट ऑफ लाइन है, ठीक है, तो ऑप्शनल जो है वो आपको अंदर बुला लेगा। इसके बाद ऐसे मूवमेंट किया जाता है रैंक में, ठीक है, 800-700 ऊपर जो है वो मीटर बढ़ता चला जाता है। तो जो ऑप्शनल है वो आपकी डेड श्योर जो है वो कॉलिंग बुला देगा, अगर आप उसको बहुत अच्छे से कर लेते हो। उसके बाद आप जो अपना एथिक्स एसए जीएस ये आपकी रैंक तय करेगा कि आप पहली रैंक पे आओगे या 700वीं रैंक पे आओगे या 800वीं रैंक पे। लेकिन अंदर आपकी कॉल आ जाएगी ये बात तय हो जाएगी अगर आप ऑप्शनल जो है बहुत ढंग से मैनेज कर ले जाते हो। अब ऑप्शनल दो तरीके से पढ़ा जाता है, 4 तरह के, 2 कैटेगरीज आपकी तैयार हो चुकी है इस समय ऑप्शनल की 2013 के बाद से। एक ऑप्शनल वो जो जीएस में बहुत हेल्प करता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पबैड, आपका जो है जो सोशियोलॉजी है और पॉलिटिकल साइंस है, ये जो 5 ऑप्शनल हैं ये जीएस में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। एक जो बिल्कुल ही जीएस से सेपरेट है, जैसे साहित्य हो गया, लिटरेचर, संस्कृत, हिंदी, ठीक है, ये सारे जो आपका लिटरेचर हो गया या अदर जो आपके सेगमेंट्स हो गए, आपने कोई कोर सब्जेक्ट ले लिया, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह के जो हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स मैंने आपको नाम लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबैड, आपका जो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस है, इनकी सबसे खास बात, और थोड़ा बहुत फिलॉसफी, इनकी जो सबसे खास बात है कि ये आपके जीएस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेंगे। तो जब आप हिंदी साहित्य अगर लेता है कोई, तो उसके पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए, वो क्या होगा, अपने ऑप्शनल के दायरे को तय करेगा। लेकिन अगर आपका इन 5 में से कोई ऑप्शनल है,
यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबैड, ठीक है, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, अगर इन पांचों में से कोई है तो वो डबल दृष्टि से पढ़ेगा। एक वो अपने ऑप्शनल को जो सेम 500 मार्क्स है इसके लिए भी पढ़ेगा, और इसी में से वो क्या निकालेगा, जीएस निकालेगा, बहुत तरीके से। इसीलिए दायरा एनलार्ज करके पढ़ो, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे तुम्हारे बड़े आराम से, और स्टेप बाय स्टेप चलोगे तुम्हारी कॉल तो आ जाएगी इंटरव्यू की। बशर्ते पहला नियम क्या होगा, एंड टू एंड सिलेबस की आपको जानकारी होनी चाहिए। आप अगर सिलेबस के पॉइंट्स भी कवर करके चले जाते हो और लिखना आपको थोड़ा बहुत आता है और ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत फ्री हैंड ड्राइंग आती है तो मोर देन इनफ है आपके लिए। आप बड़े आराम से 250 मार्क्स कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रांग पॉइंट है वो पेपर टू है, ठीक है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से पेपर वन जो फिजिकल ज्योग्राफी है वन ऑफ द वो तो नेचुरली स्ट्रांग है। जो करंट अफेयर्स डील करने की वजह से जो यहाँ का सबसे लैग पॉइंट होता है वो पेपर टू होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स मैं अभी आपको पूरा सिलेबस थॉट मैप करके दिखा देता हूँ कितना आसान है वो। तो करंट अफेयर्स होने की वजह से क्या है, मेरा सेकेंड पेपर जो है बहुत वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट पॉइंट है, क्योंकि इसके लिए बहुत अपडेट रहना पड़ेगा। अभी मैं आपको सिलेबस का एक जो है तो इसका मैंने इंडियन ज्योग्राफी का पूरा गो थ्रू बना दिया है, एक बार आप उसको देख लेना। और मैंने उसका जो है एक प्रिंट बड़ा सा बनवा दिया है, ठीक है, यानी कि जो पोस्टर होता है वो पोस्टर साइज का दीवार पर लगा दो पूरा, ठीक, वो कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर चुका हूँ, अब आप तैयार रहिए, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट बैच में मैंने ये देखा था कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिलेबस पर कभी कमांड ही नहीं किया, ठीक है, उनको लगता था ये क्या चीज़ है, हमें तो जो पढ़ाया जा रहा है उतना देख लें। सिलेबस पर भी अगर चलोगे, मैं तुम लोगों को दो चार क्वेश्चन पढ़ के दिखा दूँ, ठीक है, तो तुम कहोगे यार क्या मतलब इस तरह के पेपर आता है, यही हम लोग इतना परेशान रहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक से देखो जरा, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए पृथ्वी की संरचना का, एग्जामिन क्रिटिकली स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जीएस में भी इससे टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत का विवेचन जो है वो उसके उसके बारे में लिखिए, और तीनों जो है उसकी प्लेटों का वर्णन करिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस पे चले गए तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। कल मैंने क्या कहा था, समस्थिति से केवल दो ही क्वेश्चन से बताते हैं, समस्थिति सिद्धांत क्या है, व्हाट इज आइसोस्टेसी, इस संदर्भ में एरी और प्राट के मदों की विवेचना करिए, डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट कनेक्शन डिस्कस द व्यूज ऑफ एरी एंड प्राट, बस। तो मैंने क्या बताया था, कल एक चीज डिस्कस किया था कि जो सिलेबस के वर्ड्स होते हैं उनमें केवल क्या लगा दो, कल मैंने बताया था ना, उनमें क्या करना है, पहले क्या लगा दो, अपरदन क्या होता है, ठीक है, समस्थिति क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है, बायो जियोग्राफी में जो कल हम लोगों ने देखा था बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहले सब में पहला आपको क्या काम करना है, दूसरा सिद्धांत। सिलेबस पकड़ने के बाद हर वर्ड जितना भी है, इसीलिए कल मैंने एक एक वर्ड को डिफाइन किया था, उसमें क्या लगा दो, क्या होता है, यानी उसका मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग। दूसरा सिद्धांत, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इससे मुझे मतलब नहीं है, यहां आए हो तो कम से कम कुछ गेन करके जाओ। सेकंड जो सक्सेस रूल होगा उनका मीनिंग, स्टूडेंट सबसे पहले यही मारा जाता है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, वो पूरा ज्योग्राफी उसकी क्लास खत्म हो जाती है और उसको सब्जेक्ट का मीनिंग नहीं पता होता, ठीक है। तो यानी सेकेंड स्टेप क्या होगा, मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन पढ़ के दिखा दूं, ये पूरे 15 साल के क्वेश्चन में से तुम देखोगे आधा क्वेश्चन सीधे एक पार्ट जो होता है, फलाना चीज क्या होती है। भू संतुलन सिद्धांत की विवेचना कीजिए, डिस्कस द थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। अगला क्वेश्चन अगले साल पूछा गया है, ज्वालामुखी के प्रकारों पर टिप्पणी कीजिए। क्या यार, ये यूनिवर्सिटी टाइप का पेपर है, इसीलिए ऑप्शनल जो है आपको अंदर प्रवेश करा देता है। एक बार की मेहनत है, सिलेबस कंप्लीट, उसके जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। इसीलिए जब पहले दो ऑप्शनल हुआ करता था, लड़के खाली ऑप्शन पढ़ते थे, जीएस वीएस नहीं पढ़ा करते थे, वो देख लेंगे थोड़ा बहुत इसी के साथ हो जाएगा, और बड़े आराम से। इसीलिए हिंदी बेल्ट का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता था, चार नोट्स लाकर रख लिया, ठीक है, और बढ़िया दबा के उसको रट्टाफिकेशन मारा। यूपी बिहार का एकदम छाया हुआ था, यूपी बिहार उस सिलेक्शन में बिल्कुल छाया हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया, अब कर दिया उसने वेरिएशन, ठीक है, मज़ेदार तरीके से। चलो अब देखो आइसोस्टेसी को कितनी बार पूछा है, अब मैं आप लोगों पर डर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, ये दूसरे साल पूछा है। अभी कितनी बार आइसोस्टेसिस वर्ड एक बार आया, क्या है, क्या बार पूछा जा रहा है। समस्थिति की संकल्पना की व्याख्या कीजिए, बस। लगभग इसी तरह के क्वेश्चन हर साल वो घुमा घुमा के दिए रहते हैं। भू चुंबकत्व और पूरा चुंबकत्व सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए, एक बार इनका पूछा और अगली बार पूछा इनके अर्थ क्या होते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका मतलब पहला आपको क्या कॉन्सेप्ट, अपनी कॉपी में लिखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेप वन, सिलेबस पे स्टेप बाय स्टेप आपको रहना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट करना है। सेकेंड,
जितने भी सिलेबस के वर्ड्स हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मीनिंग, उनके आपको मतलब पता होने चाहिए। भू आकृति विज्ञान क्या होता है? भू आकृति विज्ञान क्या मतलब होता है? भू आकृति विज्ञान का जलवायु विज्ञान क्या है? जलवायु विज्ञान, ठीक है, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता, आइसोस्टेसी क्या है? आइसोस्टेसी, सब स्थित किसे कहते हैं? अगर ये आपके लगभग हर उसमें 15 से 20 आपको हर यूनिट में मिलेंगे, ऐसा करते करते कुल आपके पास लगभग 300 डिफिनीशन आएंगी लगभग पूरे सिलेबस में। अगर ये 300 डिफिनीशन आपको, पर्वत किसे कहते हैं क्वेश्चन में पूछा गया, पर्वत और पठार की संकल्पनाओं में जो है वो विभाजन करिए। पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है? सिर्फ जो है कोबर ने अपनी बात कही, स्टॉलर ने अपनी बात कही, इसमें क्या होगा? कल मैंने आपको क्या बताया था, व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। कल मैंने बात किया था कि इसमें पर्सनालिटीज, जिसने ये बात कही है उसी के बारे में आपको जानकारी लेनी। तो सेकंड आपका क्या हो गया, मीनिंग। फर्स्ट स्टेप सिलेबस पे आपकी पकड़, सिलेबस एंड टू एंड आपको पता होना चाहिए, नंबर एक। सेकंड, जितने भी वर्ड यूज होंगे वो आपके स्किप नहीं होने चाहिए, अगर आप वाकई में फर्स्ट स्टेप में ही इतना मारना चाहते हो। और ये अगर गया तो लिखवा के ले लो मेरे को, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर ज्योग्राफी ऑप्शन के साथ डील कर रहे हो तो तुम्हारी इंटरव्यू की कॉल कोई रोक नहीं पाएगा, अगर यहां तक तुमने मार दी। क्योंकि जो लड़का ज्योग्राफी ऑप्शन में 280 मार रहा है वो जीएस में बड़े आराम से 300 प्लस मार्जिन ले जाएगा, बड़े आराम से लेकर जाएगा, पेपर वन में भी और पेपर तीन में भी, और ऐसे भी मारेगा वो 125 नंबर के आसपास का। तो बड़े आराम से उसका जो है ये सम अप बनेगा और वो खींचा जाएगा। अब वो इंटरव्यू में उसको डील करना है कि इंटरव्यू में वो इंटरव्यू देता है या इंटरव्यू लेता है, ठीक है, ये उसके ऊपर है। ये बाद में मैं तुम्हें सिखा दूंगा, दो तरीके से इंटरव्यू किया जाता है, एक इंटरव्यू दिया जाता है और एक इंटरव्यू प्लान किया जाता है कि तुम मुझसे वही क्वेश्चन पूछोगे जो मैं चाहता हूं, ठीक है। इसको मेथड ऑफ स्पीकिंग बोलते हैं, ठीक है, उनका जो है इसको इंटरव्यू प्लान किया जाता है। चलिए ये हमारा बात हो गया। सेकेंड आपको क्या करना है, मीनिंग, स्क्रिप्ट नहीं करना है अगर आप सक्सेस चाहते हो। थर्ड स्टेप इसमें आती है शब्दावलियां, वोकैब, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक डिक्शनरी बनाकर दे दूंगा, ज्योग्राफी की एक डिक्शनरी आती है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके थर्ड स्टेप के लिए, वोकैब शब्दावलियां। एक राजभाषा की आती है वो आप लोगों को नहीं मिलेगी, जो एक राजभाषा मंत्रालय की जो पब्लिकेशन आती है बहुत प्राचीन है, बहुत लेकिन अच्छी मानी जाती है। इसमें शब्दावलियों के मतलब आपको पता है, जैसे गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, स्पिट क्या होता है, ठीक है, डेनुडेशन क्या होता है, जो ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, भूसन्नतियों से क्या तात्पर्य है, तो आपको इस डिक्शनरी से जो है वो सीधे सीधे मिल जाएगा। मार्केट में जो डिक्शनरी, उसमें बहुत इनलार्ज करके दिया हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी टाइप का दिया हुआ है। मैं उसको जो है कंपाइल कराकर आप लोगों को दे दूंगा, उनकी जो शब्दावलियां, उनकी जो परिभाषाएं हैं, उनको आपको बस पढ़ते जाना है, क्लासेस में हम उसको डिफाइन करते जाएंगे। जो थर्ड स्टेप होगा ये शब्दावलियां होगा, चौथा स्टेप इनकी व्याख्या, जो भी कहा जा रहा है प्रश्नों को जो मैंने पढ़ के आपको बताया। आपको अगर मैं टॉपिक दे दूं, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल उठा लेता हूं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का, मैं 10 साल के पेपर आपको पढ़ के सुना देता हूं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से क्वेश्चन क्या पूछे गए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करिए, क्या मैंने क्या कहा, व्याख्या या वर्णन, एक्सप्लेनेशन, समझ लो नहीं तो यह फंसा देगा, एक्सप्लेनेशन, ठीक, एक्सप्लेन करिए, राइट, एक्सप्लेन यहां पर गया, वर्णन करिए तथा इस सिद्धांत के पक्ष तथा विपक्ष का मूल्यांकन करिए। अगला स्टेप नंबर 5, जब व्याख्या आपको करना आना चाहिए तो आपको इसकी क्या करना, जब व्याख्या करेंगे, वर्णन करेंगे, तो आपको इसके जो है वो विपक्ष में तर्क रखने पड़ेंगे। इसमें व्याख्या के साथ क्या होगा, एक आपका समर्थन में तर्क आएगा, हाँ भाई इन्होंने जो बात कही, जब व्याख्या कर ली, व्याख्या में क्या करना होता है, वैगनर ने कहा महाद्वीप इधर से उधर जा रहे हैं, आपने कह दिया हाँ उधर कैसे जा रहे हैं, उन्होंने बता दिया, उसमें आपने साक्ष्य दे दिए, जिक्साफिट के साक्ष्य दे दिए, मेसोसोरस के साक्ष्य दे दिए। अगले स्टेप में क्या करोगे, उसके समर्थन में तर्क दोगे, हाँ भाई समर्थन के तर्क में आपने जलवायु पेटियों का तर्क दे दिया, इसका कोयले का तर्क दे दिया, आपने पर्वतों मार्गों का तर्क दे दिया। लेकिन यहीं पर कल मैंने क्या कहा था, आपके अंदर अगला स्टेप होना चाहिए उसकी आलोचना करने का, यही है ज्योग्राफी ऑप्शनल, उसके विपक्ष में तर्क आपको देना है, ठीक है, यानी फेवर में और अगेंस्ट में आपको जाना है। इसके बाद चलो देखते हैं, इसके बाद जब विपक्ष और समर्थन में तर्क होगा तो आपसे अगली उम्मीद की जाती है मूल्यांकन की। मूल्यांकन में एक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा हालांकि, ठीक है, इसी पे तुम्हारा आंसर राइटिंग भी तुम्हें बता देता हूं, ठीक है, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में करना क्या होता है,
मूल्यांकन में जब पक्ष और विपक्ष दोनों रख रहे होते हो, और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, व्याख्या करते समय पर्सनालिटी या व्यक्ति जो होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरा जो आपका ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें और आपका पेपर वन, इसमें व्यक्तियों का जो है वो जबरदस्त प्रादुर्भाव रहा। अब आप ध्यान रखिएगा, आप जीएस नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, और ऑप्शनल मैंने क्या बताया था, इसका एक दर्शन होता है, इसका एक क्या होता है, फिलॉसफी होती है, ठीक है, इसका एक दर्शन होता है और यही आपको तय करना है। अब इसमें जो जो इसमें प्रवेश करेगा, वैगनर हो गए, ठीक है, आपका हैरी हेस हो गए, आपके कोबर हो गए, हटन हो गए, ये सभी लोग आएंगे और अपनी अपनी बात कहेंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति केंद्रित अवधारणाएं रखनी पड़ेगी, यानी कि जो है वो पर्सन सेंट्रिक अप्रोच रखना पड़ेगा। तो यहां आप क्या करोगे, उस व्यक्ति की जब आप उस समर्थन में बात लिखोगे, उसके विपक्ष में बात लिखोगे, अंत में क्या करोगे, आपको उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। और मूल्यांकन कैसे करते हैं अभी आपको बता दूंगा कि इनकी इसमें ये कमियां रही, लेकिन या हालांकि इनमें ये कमियां रही, लेकिन इनका जो ये योगदान रहा उसने जो है जियोमॉर्फोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में, समुद्र विज्ञान में, जैव भूगोल में, पर्यावरण भूगोल में, मानव संदर्श में ये फलाना योगदान दिया, जिसकी वजह से इसमें बहुत उन्नति हुई। यही एक तरीका होता है इसका आंसर लिखने का। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, अगर 6 स्टेप आप फॉलो कर ले जाते हो तो आपका एक बढ़िया आंसर तैयार होगा। और अगला जो इस स्टूडेंट एज लेना चाहेगा, पहली क्लास से वो मैप लेकर बैठेगा, ठीक है, मैपिंग शुरुआत में आप जो एक ब्लैंक मैप आता है उसका सहारा लेंगे, इसके बाद आप फ्री हैंड मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बिना इस मैप के। इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है, अ पिक्चर सेज 1000 वर्ड, ठीक है, अ पिक्चर सेज 1000 वर्ड, एक चित्र जो होता है वो 1000 शब्दों के बराबर मूल्यांकन रखता है। आप कितनी भी अच्छी बात कर रहे हो, अगर आपको फ्री हैंड ड्रॉइंग नहीं आती है तो यहां पर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। और फ्री हैंड ड्राइंग कैसे की जाती है वो आपको मैं बता दूंगा अगली बार, जब मैप के लिए मैं आपको एक एडवांस मेथड बताऊंगा जिसको बोलते हैं ग्रिड मेथड, ग्रिड मेथड। मैपिंग वैपिंग तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी इसको लेकर, क्योंकि मैपिंग से जो पेपर 2 में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिंबल, इसमें ग्रिड मेथड बता दूंगा कैसे फ्री हैंड ड्रॉ किया जाता है और कैसे जो है जगह आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके लिए आपको अभी से 2 काम करने होंगे, बता देता हूं। जो आज पहले जब जमाने में क्या होता था, मैपिंग के बेस पे सिलेक्शन हो जाया करता था, क्योंकि उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मैप आते थे, ठीक है। उसमें क्या होता, मैप के विषय में आपको 10 या 20 शब्दों में अपनी बात, 20 शब्दों में, 50 शब्दों में अपनी बात रखनी होती है। जनरली हम लोग देखते हैं पहले जो है वो ज्यादा शब्द आते थे, अब आजकल शब्द कम आने लगे। तो उसमें अब क्या हुआ, मैप को पेपर 1 से हटा दिया, अब सीधे लेकर आ गए हैं पेपर 2 में केवल। अब उसमें भी मैंने देखा है कि 3 जो होते हैं बड़े ऑर्थोडॉक्स, बड़े सिंपल सिंपल आ रहे हैं, जब से 2013 से पैटर्न चेंज हुआ है। इसमें 2 तरीके का मैपिंग पूछता है, ठीक है, इसमें कोई भी दे देगा फलाना स्थान, ठीक है, मान लो अभी किसी भी कोई स्थान चर्चा में रहा, ठीक है, उरी हो गया, या कोई भी अभी आपने देखा जो आसाम में जो क्षेत्र हुए, या कहीं पर भी आपने क्या देखा, वो आपसे बोल देगा कि इस पर आप मैप पर पॉइंट करो, फ्री हैंड आपको बनाना है, देगा कुछ नहीं, फ्री हैंड ड्रॉ करो, और फ्री हैंड ड्रॉ करके उसके विषय में कुछ टिप्पणी लिखो। ये सब करंट बेस रहता है। इसमें 2 तरीके क्या आ रहे हैं जो मैं 2013 से अभी मैं देख रहा हूँ, याद रखिएगा, इसमें जो 3 स्थान आ रहे हैं वो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स आ रहे हैं, बिल्कुल कन्वेक्शनल, नदी, पहाड़, घाटी, दर्रा, ठीक है, यही सिंपल आ रहे हैं। और जो 3 स्थान आ रहे हैं वो टोटली करंट से आ रहे हैं, कोई भी जियोपॉलिटिकल वेस, अगर ये अच्छा जा रहा है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो करंट में चल रहा है उसको मैप पर पॉइंट आउट कर लो, जो भी हिंदुस्तान, इंडिया के टर्म में, ये भी ध्यान रखना, वर्ल्ड के टर्म में नहीं, इंडिया के टर्म में, ठीक है। जैसे अभी म्यांमार के आसपास जो सर्जिकल स्ट्राइक की, तुरंत क्या करिए, उसको पॉइंट करिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, या करंट की क्लास में तो खैर हम डील करेंगे ही करेंगे धीरे धीरे इसको। और या जैसे कि आप कुछ भी अभी स्थान कहीं हुआ, कहीं जो कोई जनजाति चर्चा में आई, कहीं पर कोई हिंसा इस तरह की हुई, आप क्या करेंगे उसको, कहीं पर नई स्पेसीज, अगर हिंदू का फ्रंट पेज देखेंगे तो हिंदू के फ्रंट पेज पे आजकल साउथ इंडिया में जो दक्षिण घाट आपने देखा सह्याद्री में नई नई जो प्रजातियां पाई जा रही, नई स्पेसीज पाई जा रही, उनको क्या कर रहे हैं, वो मेंशन कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उठाकर उसको अपनी एक ब्लैंक मैप रखिए, ठीक है, उसमें आप उसको मेंशन करते हुए चले जाइए। ये फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। अभी इस 260 नंबर को भी मैं तोड़ूंगा, कहां से मार्क्स उठाने और कहां छोड़ देना है, कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हो रहा है उसको किनारे करो, ठीक है। क्योंकि अगर फिलोसफिकल बैकग्राउंड है, यानी अगर आप मान लीजिए PhD या ज्योग्राफी से शुरू से पढ़ के आए हैं, तभी उसमें हाथ डालना है, नहीं तो हमें क्या करना है, वहां से स्टेप बैक कर जाना है। हमें जितना मार्क्स उठाना है वो हमें पता है कहां से उठाना है, ठीक है। अभी 260 मार्क्स को भी मैं तोड़ूंगा, 280 मार्क्स को, कि कहां से हमें आगे जाना और कहां हमें पीछे आना, ठीक है। मैपिंग के लिए मैंने आपको बताया 3 जो है वो लगभग करंट से आ रहे हैं आपका, और 3 जो है बिल्कुल कन्वेंशनल, जो नदी, पहाड़, पर्वत, दर्रे, ये जो बिल्कुल कन्वेंशनल है जो हमारा मैपिंग में होता है,
उसके लिए आप ये कर लीजिए, मैप की कोई भी दो बुक रख लीजिए, आपको दो बुक रखनी पड़ेगी, एक तो ऑक्सफोर्ड रख लीजिए और एक ओरिएंट ब्लैकस्टोन रख लीजिए। ओरिएंट ब्लैकस्टोन दो मैप। मैप को प्ले कैसे करते हैं अभी बता देता हूं। मैप को अगर मास्टरी करना चाहते हो, मैप इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर मैपिंग पे आपकी कमांड हो गई तो इस बार 7 क्वेश्चन आईएएस प्री में मैप बेस आए थे, 7 क्वेश्चन, जिसने मैप नहीं देखा था इस बार गायब हो गया था। देखा इस बार आईएएस प्री का क्वेश्चन किसी ने, किसने किसने किया था इस बार अप्रोच, कैसे थे ज्योग्राफी के क्वेश्चन? ऐसा लग रहा था किताब नहीं मिली, एक मैप हाथ लग गई और उन्होंने सारे क्वेश्चन मैप बेस लगा दिया। आप यहां से यहां जा रहे हैं तो कौन सा रूट होगा, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन थे। तो इसको आप क्या करना है, एक तीर से दो शिकार करने हैं आपको। इसमें आपको सिंपली करना क्या है, मैप पे हम अपना कमांड कैसे बनाते हैं। पहली बात, जब भी क्लास में बैठो मैप अपने साथ नीचे लेकर बैठो, आपकी एक आदत में, खासतौर पर अगर जब हम इंडियन ज्योग्राफी डील कर रहे होंगे। दूसरा, इसमें क्या करिए, चार चार का ग्रुप बना लीजिए, चार चार दोस्तों का, या कभी क्लास में आप 10 मिनट पहले आ गए या 5-10 मिनट रुक गए, इंडिया का कोई मैप लीजिए और जैसे छोटे बच्चे गेम खेलते हैं उस तरह का गेम खेलिए। जैसे आप मैप रखिए और उससे बोलिए भाई कोई जगह का नाम, जैसे छोटे हुआ करते थे, ठीक है, तो उसमें मैप आपने लिया और हाँ ये बताओ कहाँ है, ठीक है। स्टेट वाइज खेल सकते हैं, कंट्री वाइज खेल सकते हैं, रीजन वाइज खेल सकते हैं, या अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी में हैं तो उसमें आप क्या हो सकते हैं, माउंटेन वाइज खेल सकते हैं आप, तमाम इस तरह के मैप आने लगे। हाँ बताओ ये वाली झील कहाँ है, आइडेंटिफाई करो ये वाली जगह कहाँ है, एक ऐसे कॉपी बंद की, देखा कॉपी बंद की और दूसरे से पूछ लिया और दूसरे को टाइम दे दिया 1 मिनट में आपको ढूंढ के बताना है, ठीक है, मैप लीजिए। तो शुरुआत में आप देख देख के करोगे, लेकिन क्या होगा, विद इन 15-20 डेज आप हैबिचुअल हो जाओगे, आपके पास इतने बार वो सुन लोगे कि आपको झील कहाँ है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है। दर्रों का खेल लीजिए एक दिन कि भाई बताओ कि नाथुला कहाँ है, जल्दी ढूंढ के बताओ। अब उसमें क्या होता है, ढेर सारे छोटे छोटे बने होते हैं। अब आप क्या होगा, शुरुआत में जल्दी जल्दी टाइम दे दिया, हाँ 2 मिनट में ढूंढ के बताना है, 1 मिनट में ढूंढ के बताना है, तो अब क्या हुआ, जल्दी 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 नाथुला कहाँ है, तो एक दो बार क्या होगा, फिर वो आदत में बन जाएगा, नाथुला यहाँ पर है, ये कराकोरम यहाँ पर है। तो धीरे धीरे आपको आइडेंटिफिकेशन होना, ये छोटे बच्चे इस तरह खेलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे इस तरह का गेम खेलते हैं, लेकिन उनके ध्यान रखना उनकी मैपिंग तुमसे अच्छी होती है। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको अभी से, ये 5-10 मिनट आप जैसे क्लास में बैठ गए, अब एक दूसरे से बात क्या करना, मैप खोला, हाँ भाई बताओ आज दर्रों वाला गेम खेलते हैं, आज जो है नदियों वाला गेम खेलते हैं, बताओ ये नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, ये किस स्टेट से बहकर जा रही है। विद इन 15-20 डेज तुम्हारा मैपिंग के लिए जो तुम अलग से क्लासेस करते हो, बच्चे अलग से क्लासेस करते हैं 15-15 दिन की, 8-10 हज़ार रुपये फीस देते हैं मैपिंग के लिए और कुछ नहीं है ये, एज इट इज़ यहीं से पहले दिन से शुरुआत कर दो। वैसे छोटे बच्चे खेलते हैं वैसे खेलने की आदत डाल लो, ये मैपिंग अपने आप हो जाएगी, अपने आप आए तुम्हें आदत हो जाएगी, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अरे यार ये पढ़ा रहे हैं, ये यहाँ पर ये नदी कह रहे हैं, ये पहाड़ कह रहे हैं। एक दिन पर्वतों का गेम खेल लो कि ये वाली यहाँ नंदा देवी कहाँ है, ठीक है, कराकोरम कहाँ है, कहाँ पर ये जो है नंगा पर्वत कहाँ है, ये सारा जो है आप खटाखट भारत के क्षेत्र में बताते चले जाओ। और विद इन 15 डेज आज से करके देख लेना, 10 मिनट खाली लगेगा, गेम खेलो, बड़ा मजा भी बहुत आएगा और 15 दिन बाद तुम्हें कम से कम जो ये वाला तीन क्वेश्चन ये तुम्हारे तैयार हो जाएंगे, विद इन 15 डेज तैयार होंगे, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, रखे ओस खेलना है। ये तीन के लिए मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर में जो भी जा रहा है अब से स्किप नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब से एक साल तक जो भी आपका जा रहा है वो क्या होगा, आप उसको एक ब्लैंक मैप रखिए, सुबह खबर आई, अब आपको खबर पढ़ने के साथ साथ आइडेंटी करना है और इस पर आपको 20 क्वेश्चंस लिखना है। बाकी जो अगर नहीं होगा तो वो तो मैं खैर करा ही रहा हूँ, लेकिन आप भी अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको 100% मार्क्स जो है वो लेकर जाएगा। जैसे मैथ्स में पूरे नंबर मिलते हैं ना, वैसे यहाँ भी ज़बरदस्त नंबर मिलते हैं। बाकी क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है तुम्हारे मार्क्स जो है 40%, 50%, 60% दे, ये 90%, 95% तक नंबर दे देगा अगर आइडेंटिफाई सही कर लेगा तो। ये फ्री का मार्क और सबसे कम टाइम लगता है, इसीलिए पहले जब दो दो हुआ करते थे, ठीक है, 100-100 नंबर 120 नंबर खाली मैप के दे देते थे और धनाधन लड़का 10 मिनट में करके ख़त्म कर देता था, ठीक है। तो ये मैपिंग आज भी जो है वो तुम्हारी पेपर 2 संभाल ले जाएगी, तब हम जाकर जो है इसको सही ढंग से करेंगे। चलो ये स्टेप्स लिख लिए, बस इतना ही है। अब तुमसे मैं कितना भी अगर क्वेश्चन में डिस्कस कर लूँ, अब अगले साल क्वेश्चन क्या पूछा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की परिसीमाओं का विवेचन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कैसे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत उससे उत्कृष्ट है, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन पूछा। अगले साल क्या पूछा है, वैगनर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना का समालोचनात्मक मूल्यांकन, एक ही क्वेश्चन को वो बार बार क्या कर रहा है, घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। फिर अगले साल महाद्वीपीय विस्थापन का पूरा जीवी हिमानी प्रमाण पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए, 4 प्रमाण दिए थे, वही 4 प्रमाण में से 1 प्रमाण के बारे में सिंपली एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स बार बार उठाकर आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप इस वे में तैयारी करोगे तो ऑप्शनल में आपको कोई वेरिएशन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। चलिए
सिलेबस में मैं आपसे एक सबसे जो डिफिकल्ट पार्शन है, मैं जितना भी बच्चे देखे आ रहे हैं सबके, इसमें मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों से जीएस पेपर टू में मार्क्स कम, ऑप्शनल पेपर टू में मार्क्स काफी कम आ रहे हैं, ठीक है, ऑप्शनल पेपर टू में काफी मार्क्स कम आ रहे हैं, और उसके पीछे उसका कारण है कि सिलेबस का जो गहराई है वो थोड़ी सी ज्यादा है। चलिए मैं आपसे वो सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। ताकि आपको भी एक अंदाजा हो जाए कि सिलेबस में है क्या क्या। ऑन है वहां से, राइट, लिख लिया इसको, डन, चलो। बुक्स कल मैंने आपको बताई दी थी, वन बाय वन लेना, ऐसा नहीं कि इकट्ठे जो है थोक भाव उठा लाए, अगर जरूरत हो तो। और मैं तो कहूंगा तुम्हें 3 पार्ट को छोड़कर और बुक्स जो है वो नहीं चाहिए, राइट। इफ यू हैव द इनफ टाइम देन गो फॉर द पी दयाल, ठीक है, उसको उसके सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है, सेलेक्टेड टॉपिक्स सिलेबस के हिसाब से, इसीलिए सिलेबस मैंने लिखाया। उसके बाद जलवायु विज्ञान के लिए डीएस लाल, समुद्र विज्ञान के लिए, इतना काफी है, ठीक है, क्योंकि बाकी जितना भी आगे पार्ट आपको डील करना पड़ेगा वो बहुत ही वेरिएबल पार्ट है। चलो, ये पूरे मैंने पूरे सिलेबस का मैंने थॉट मैप बना दिया है इंडियन ज्योग्राफी का, और काफी इसमें मेहनत लगी, लेकिन अब चलते देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। पहला जो टॉपिक है, वो है इसका भौतिक विन्यास, ठीक है। इस बार यही वाला क्वेश्चन सीधे उठाकर दे दिया था, स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज, भारत का उसके पड़ोसियों के साथ संबंध, ठीक है, अंतरिक्ष संबंध उसके पड़ोसियों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा इंटरव्यू में। मैंने क्या बताया था, 40% जो पेपर होता है वो जियोपॉलिटिक्स से आजकल इंटरव्यू होने लगा है। आप आज ही सुबह देख रहे होगे, पेपर पढ़ा होगा, बीएसएफ कैंप पे हमला, फियादीन हमला हुआ, और उसमें आईजी का स्टेटमेंट आया कि जब तक पाकिस्तान हमारा पड़ोसी रहेगा, ये उनका स्टेटमेंट है बाकायदा, जब तक पाकिस्तान हमारा पड़ोसी रहेगा हमें इस तरह के हमलों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप देखिए, ये बड़ा गहरा सेंटेंस है, जब तक पाकिस्तान हमारा पड़ोसी रहेगा, यानी अगर आतंकवाद खत्म करना है तो पाकिस्तान को, ठीक है, खैर ये सब अलग बात है। और अभी म्यांमार के साथ जो हमारा हुआ, आपने देखा कि आज ही जो है हमने बांग्लादेश के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो ट्रीटी साइन किया है। तो कुल मिलाकर जहां पर जो पहला संबंध हुआ, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, हमारी क्या क्या बाउंड्रीज हैं, किसके साथ जो है वो हमारे क्या संबंध है, चाइना के साथ आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का हमारा अरुणाचल प्रदेश में डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपको ये बड़ा अच्छा आधार तैयार करेगा आपके आईआर के लिए, आपके जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिसे हम लोग कहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा आधार है। तो पहला टॉपिक है आपका, इसकी आपको मैं समझ बता दूं कि हम जीएस में भी इसको कैसा यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर मेरे पढ़ने के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो। तो पहला है भारत का उसके पड़ोसियों से संबंध, ठीक है, यानी कि इस तरह कहते हैं जियो पॉलिटिकल संबंध। दूसरा है अवसंरचना एवं उच्चावच, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, तो इसमें पर्वत, पठार, मैदान, जितना भी हमारा सिस्टम है वो हमें पढ़ना है, अवसंरचना एवं उच्चावच, तो इसमें भारत का जितना भी प्रादेशिक विभाजन है, आप चाहे पर्वतीय हो गया, मैदानी हो गया, पठारी हो गया, तटीय हो गया, ये सारा का सारा हमें क्या करना है, इसके अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि भारत में क्या है, संरचना की विविधता बहुत ज्यादा है। अगला है ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटरशेड, ठीक है, अपवाह प्रणाली, अपवाह तंत्र, तो भारत में 2 प्रमुख तंत्र पाए जाते हैं, बिल्कुल फिक्स है इनका क्वेश्चन, हिमालयी प्रवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र, ठीक है, इसी पे घूम फिर के इनका क्वेश्चन आता है, इसमें डरना नहीं, इसमें सिंपल, इनका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमारे देश में 2 प्रवाह तंत्र हैं, एक चूंकि क्या है, भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था और धीरे धीरे आकर वो टकराया था, तो एक प्रायद्वीपीय भारत है जो बहुत प्राचीन हिस्सा है, एक क्या है हिमालयी हिस्सा है, ठीक है, तो इन दोनों में जो है अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। और भारत में नदियों का बहुत महत्व है क्योंकि हमारा ये सिंचाई पैटर्न के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है, तो इनका एक ड्रेनेज सिस्टम है। और भारत में नदियां 2 प्रकार की समस्या, ये आपको जो है अगले स्टेप पे आप देख रहे होगे, सरकार के कोर प्रोग्राम में नमामि गंगे प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, नदियों का जल संरक्षण प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, ये आपको आगे चलकर बहुत आधार देगा, और नदियों को बचाने के लिए, उनको प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, प्रवाह बनाए रखने के लिए पहला,
दूसरा भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तीसरा अभी आप समझते जाओ भारत में दो तरीके के डिस्प्यूट्स हैं, विवाद, एक अंतरदेशीय विवाद जिसे कहते हैं और अंतरराज्यीय विवाद, एक सिंधु जल को लेकर हम, तीसरा जल को बांग्लादेश के साथ, सिंधु जो है पाकिस्तान के साथ, जल विवाद है कि नहीं, कावेरी जल विवाद, महानदी जल विवाद, सतलुज यमुना रिवर रिंग, ये क्या है, अंतरराज्यीय विवाद है और ये विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। तो यहां पर जब ड्रेनेज सिस्टम आप पढ़ोगे इसी समय आप अपना जीएस का आधार भी तैयार रख लोगे। इस बार जो सिंधु वाला क्वेश्चन था वो मेंस में भी पूछा गया था और वो इंटरव्यू में पूछ लिया था, एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछा उन्होंने, ठीक है। अंतरदेशीय, अब इसी में क्या है, जब आप ड्रेनेज सिस्टम को समझ जाओगे तो भारत में एक और चीज को दो और चीजों का महत्वपूर्ण आप आधार रखोगे। पहला, भारत में इस समय जो परिवहन की व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें जलमार्ग के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है। पिछले दो सालों से अगर आप उठाकर देखो, क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था जलमार्ग विकास को लेकर, मेंस में क्वेश्चन, जीएस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और दूसरा जो है सेगमेंट आ रहा है जहां पर हम जलमार्गों के विकास की बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक बार फिर से जो है नदियों को जोड़ने की परियोजना फिर से क्या हुआ, फिर से चर्चा में आई, ये कम से कम दो से तीन बार मेंस में पूछा जा चुका है जीएस में। इसी समय आप अपने उसमें हुक कर देंगे कि हमें यहीं पर अपना आधार जीएस के लिए बना लेना है। अगला है फिजियोग्राफिक रीजन्स, भारत का भूभौगोलिक प्रदेश, बहुत बारीकी से मैंने कम से कम 20-22 दिन मुझे लगा ये पूरे सिलेबस को मैंने जो है वो ब्रेक किया है, इतना तो स्टैटिक है, डायनेमिक वाले पार्ट में हम पहुंचेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है, इसको लिखते जाओ। अगला है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून एंड रेनफॉल पैटर्न, मानसूनों की यांत्रिकी, भारतीय मानसून की यांत्रिकी, पीटी में भी था इस बार क्वेश्चन, इंडियन ओशियन डायपोल, तो इससे रिलेटेड ही है। इसमें मैं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो इसमें बहुत गलतियां हो रही हैं, इसमें इसमें जनरली स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है, जो बुक्स में कन्वेंशनल बुक्स में दिया हुआ है केवल वही पढ़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, भारतीय मानसून को लेकर सबसे ज्यादा रिसर्च पिछले दो सालों में जबरदस्त तरीके से आई, भारतीय मानसून को लेकर प्रिडिक्शन मैकेनिज्म, भारतीय इसरो ने नए नए जो है वो संवेदी उपग्रह छोड़े हुए हैं। इस बार देखो पीटी में मानसून से क्वेश्चन कौन सा आया था, इंडियन ओशियनिक डायपोल आया था कि नहीं, बहुत लोगों को सुनने में नहीं आता होता क्या है। तो इसके लिए आपको दो तरीके से पढ़ना होगा, मैं आपको सावधानी बता रहा हूं, एक जो आपकी कन्वेंशनल बुक्स जा रही है, ठीक है, चाहे वो कोटेश्वरम की थ्योरी, इंडियन मानसून, ITCZ, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, लो प्रेशर एरिया। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको करंट से जोड़कर पढ़ना पड़ेगा, हिंदू ज्योग्राफी एंड यू और तमाम जो है ज्योग्राफी की मैगजीन्स में जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं भारतीय मानसून को लेकर वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो ये वाला हिस्सा है इस पर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इस बार आपने पीटी में भी देख लिया, ऑप्शन में ऑलरेडी इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर केवल जो है कन्वेंशनल पढ़ोगे तो जो नए तरह के प्रश्न आ रहे हैं, चाहे मानसूनों का पूर्वानुमान, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था देखो कि क्या कारण है कि हाल ही के दिनों में जो मौसम जलवायु का मानसूनों का पूर्वानुमान किया जा रहा है वो अपनी सटीकता की उच्चावचा नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब वो 100% सटीक नहीं हो पा रहे हैं, टिप्पणी करिए। अब देखो तुमने क्या पढ़ा था, तुमने पढ़ा था ITCZ, तुमने पढ़ा था लो प्रेशर एरिया, और क्वेश्चन क्या पूछा कि हाल ही के दिनों में जो आपके मानसूनों का पूर्वानुमान किया जा रहा है वो क्यों नहीं सटीक हो पा रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए उन्हें। अब ये क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और ये कुछ नहीं था, ज्योग्राफी एंड यू में एक सीधे आर्टिकल उठाकर दिया था, ठीक है, सीधे आर्टिकल था और वही आर्टिकल लिखना था आपको, कुछ करना ही नहीं था, वो बना बनाया एक आंसर था और स्टूडेंट रह गया वहां पे। इसीलिए जीएस जो आपका ऑप्शनल पेपर 2 है इसमें नंबर कम आ रहे हैं। अगला रेनफॉल पैटर्न, वर्षा की प्रकृति, प्रारूप, वर्षा का प्रारूप, रेनफॉल पैटर्न, ठीक है, इसीलिए मैंने ज्योग्राफी एंड यू का पूरा एक बंडल बना दिया है 2-3 सालों का, सारे जितना भी मुझे सिलेबस के हिसाब से, वो तो चाहे तुम ले लेना या तो खैर मैं तो पढ़ाऊंगा ही अपने पूरे उसमें, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इस बार के लिए तो खैर मान के चलो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सेगमेंट ही नहीं है, लिखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ, अमेरिका को दो ही चीजों ने तबाह किया, एक उसका एंटी टेररिज्म और इस बार चक्रवातों ने, लिखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। नियम याद है ना, पहला सबसे पहले क्या लगाना, उसमें क्या लगाना है, ठीक है, व्हाट, सबसे पहले जितने भी, मैं इसीलिए आपको सिलेबस पे बहुत फोकस करा रहा हूं, ये स्किप हुआ तो आप नंबर खा जाओगे अपना, तो आप जितने भी वर्ड यूज होंगे, ये ड्रेनेज क्या होता है, पहले बात करो ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज तंत्र क्या होता है, दोनों में बहुत अंतर है। तो जब अगर आप वाकई में आप बारीकी से जाना चाहते हो, और मैं चाह रहा हूं कि इंटरव्यू की कॉल आए तुम्हारी, तो आपको एक एक वर्ड में आप क्या लगाना सीख लो, ठीक है, अपने आप तुम्हारा काम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद लिखो फ्लड एंड ड्रॉट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये जीएस पेपर तीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, बाढ़ और सूखा, आपदा प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका। अगला है क्लाइमेटिक रीजन, जलवायु प्रदेश, भारत के जलवायु प्रदेश जो वर्गीकरण किया गया। अच्छा देखना बड़ा मजेदार तरीके से, कल तुम लोगों को याद होगा मैंने जलवायु विज्ञान में भी क्लाइमेटिक रीजन बताए थे कि नहीं बताए थे। अब मैंने तुमसे क्या कहा कि इसका जो कई लोग कहते हैं कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, 20 टॉपिक है, और मैंने कल आपको क्या बताया था, इसमें केवल 12 टॉपिक है, 8 टॉपिक केवल रिप्लिका है। जिस समय तुम वहां पे क्लाइमेटिक रीजन पढ़ चुके होगे, जिस समय तुम वहां पर मानसून पढ़ चुके होगे, उस समय ना तुम्हें यहां पर पढ़ना है और ना तुम्हें यहां पर पढ़ना है, खत्म। उसी समय तुम इसको खाली भारतीय तंत्र में इसके भारतीय नामों को याद रखना, बस सारा मैकेनिज्म तुम क्या कर चुके होगे, पेपर वन में ही खत्म कर चुके होगे, यहां पर तुम्हें कुछ नहीं करना है। चलो नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियां, तो इनका जो मूल तत्व है वो तुम्हारा क्या होगा, पेपर वन में ही खत्म हो चुका होगा, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियां, सॉइल टाइप एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, भारत के लिए अलग थोड़े ना बनेगी भाई। और कल हमने क्या देखा था यूनिट 4 में, सॉइल हमने पढ़ा था ना, सॉइल टाइप्स, तो जो पूरे विश्व की सॉइल टाइप पढ़ोगे वही यहां पर, तो ये भी तुम्हें टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ भारतीय क्षेत्रों के नाम याद करने होंगे, कहां पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही, जो पूरे विश्व में पाई जाएगी वही आपकी प्रकृति यहां पाई जाएगी। तो यहां पर आपको दोबारा इनको कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, वही का वही आप क्या करोगे, रिपीट कर दोगे। देखो मृदा प्रकार और उनका वितरण, केवल भारतीय तंत्र में इनका क्या करना होगा, इनका क्षेत्रफल याद करना होगा, किस राज्य में पाया जा रहा है यह याद करना होगा। ठीक, अगला आ जाओ सेकेंड टॉपिक, ये आपका इसकी फिजिकल सेटिंग हुई। अब आ जाओ संसाधन पे, अब देखते हैं इसका क्या महत्व है। इस बार का अगर पीटी का पेपर लाया होता तो मैं बताता है पिछले साल का। चलो रिसोर्सेस पहले देख ले, संसाधन, भारतीय क्षेत्र में संसाधन, तो पहले रिसोर्सेस में हम देख लेते हैं भूमि संसाधन, ठीक है, दूसरा सतही संसाधन जो हमारे पास है, और तीसरा भूमिगत जल के रूप में। लिखो, भूमि संसाधन, सतह पर स्थित संसाधन और भूमिगत जल। बेटा ये संसाधन, ये कहाँ, ये, अरे बाद में, पहले जो मैं कर रहा था जाना उसको करते जाओ। नंबर वन पे इसके तीन हिस्से हैं, सतह के बाद भूमिगत जल, भूमिगत जल संसाधन। अगला आ जाओ ऊर्जा, भैया जीएस का पेपर किसने किसने देखा है, ऊर्जा संसाधन। अब ये मत कहना कि ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन नहीं आता, हो ही नहीं सकता, इसको जीएस के लिए जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं वहां जीएस मार्क कर लो। बिना ऊर्जा के राष्ट्र की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ ही नहीं सकती है। मिनरल खनिज, अब इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें यहां से भी क्वेश्चन जीएस में आते हैं तुम्हें पता है, इसमें तुम्हें सिर्फ एक काम ऐड करना है, अगर इसको जीएस के लिए करना चाहते हो, इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर पीटी और मेंस के लिए इसको करना है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, सरकार खनिजों के लिए पॉलिसीज बनाती है। अभी आपने देखा कि भाई ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी सरकार ने लॉन्च की है, ई निविदा निकाली हुई है कोल ब्लॉक्स के आवंटन के लिए। तुम्हें क्या करना होगा, जो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज चला रही गवर्नमेंट, बस केवल इस समय, ध्यान से इसलिए मैं इसको मेंशन करा दे रहा हूं, बस केवल इस समय तुमने उसके 8 से 10 पॉइंट भी जोड़ दिए तो तुम्हारा पीटी और मेंस जीएस हो गया, और कुछ नहीं करना, बेस तुम्हारा ये रेडी है। इसके बाद बायोटिक और मरीन, ठीक है, जैविक और समुद्री संसाधन, सेकेंड है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये पर्यावरण जैसे वहां करोगे वैसे यहां ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, और उनका संरक्षण, कल हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कल, ठीक है, तो ये पेपर वन के साथ ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसको दोबारा तुम्हें केवल भारतीय तंत्र उनका नाम याद रखना है। और तुम्हें पता होगा कि पीटी में हर साल जो है एंडेंजर्ड एनिमल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनके संरक्षण को लेकर क्वेश्चन आता है, चाहे वो लॉ एंड टेल मैकॉक हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, ये सब तो बिल्कुल पेट हैं उनके। और कल मैंने आपको बुक भी बता दी थी इराक भरूचा, इसके लिए आपको पढ़नी है, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन एवं वन्य जीव संसाधन और उनका संरक्षण, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ऊर्जा संकट, आ जाओ मेंस पर, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ आपको मेंस के लिए भी देखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा संकट दो तरीके का होगा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसको पीटी और मेंस के लिए कैसे करना है,
तो दो तरीके के संकट हमें ध्यान रखने होंगे, एक देश का आंतरिक संकट। हिंदू लाए हो आज कोई? आज ऊर्जा से रिलेटेड न्यूज आई है, ठीक है, हिंदू में एक आंतरिक, और दूसरा वाय। जब आंतरिक संकट में पढ़ोगे तो देश की जितनी भी आपके प्रोडक्शन पॉलिसीज हैं, जो आपका सेगमेंट है, वो आपको कवर करना है। जब वाय संकट में पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पहुंच जाओगे। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि कम से कम हिंद महासागर क्षेत्र में जो सबसे बड़ा संघर्ष का कारण है वो क्या है, एनर्जी क्राइसिस। बहुत डीप टॉपिक है और जीएस में सीधे हिट मारता है। तो जब वाह संकटों पे आओगे तो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जैसा भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, जो तुम्हारा इस समय आतंकवाद का जो पश्चिमी एशिया में पनपना है, ठीक है, सीरिया में जो तेल के कुओं पर आईएसआईएस का कब्जा करना है, ये सब किसी के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपने देखा अभी तेल के दाम क्या हुए, बढ़ गए। तो आंतरिक संकट और वाय संकट, एनर्जी क्राइसिस क्या होता है, बहुत चर्चा में चल रहा है। आप इस समय देख रहे होंगे जो तेल के दाम बढ़े हैं वो पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर जो है, अगर इसके साथ जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है, मोतियों की माला नीति, और उसके विरोध में हमें आयरन कर्टन जो नीति हमारी, यानी कि जो लौह पर्दा नीति है, उसके विरोध में उसकी जो है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके विरोध में हमारी जो चाबार नीति है, ये जो आईआर में चल रहा है वो कहां से निकल कर आ रहा है, एनर्जी क्राइसिस से निकलकर। हम एक दूसरे के साथ आईआर में क्या करें, डील करो, और यहां पर तुम्हारा बेस बन जाएगा वो। चलो, ये रहा आपका सेकेंड टॉपिक। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, एग्रीकल्चर, कृषि, तुम्हें पता है ना जीएस पेपर 3 में कौन सा टॉपिक है, सबसे ज्यादा टॉपिक क्या है, 11 टॉपिक किसके हैं, एग्रीकल्चर के, ठीक है। अभी मैं तुम्हें जीएस का भी सिलेबस दिखा दूंगा इसी के साथ ही। और मजेदार बात है, यह है कि हिंदी मीडियम में जीएस पेपर 3 के लिए कोई बुक उपलब्ध नहीं है। चले जाओ ढूंढ लो आज, इंग्लिश मीडियम में तो थोड़ा बहुत उमा कपिला आप पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में सिर्फ, लेकिन हिंदी मीडियम में तो खैर कोई किताब नहीं है। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं, ठीक है, नियरली जहां तक मुझे पेपर 3 में याद है कि 90 नंबर जो है हर साल वो केवल इतने ही पार्ट से आ जाता है। अब देखो यहां पर और अभी वहां पर भी जीएस का सिलेबस तुम देखना, देखोगे दोनों तुम्हें टॉपिक्स क्या होंगे, सेम टू सेम मिलेंगे, कुछ करना ही नहीं है। सबसे ज्यादा हिट मारेगा जीएस पेपर 3 में, तो इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लेना, जीएस पेपर 3। पहला है कृषि अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसको पढ़ने का तरीका मैं तुम्हें बता दूं, इसके लिए तुम्हें एक मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, कुरुक्षेत्र, ध्यान रखना, राइट। तो पहला कृषि अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या, सिंचाई। हां भैया, पीटी में क्वेश्चन आता वाता है कि नहीं इस पे, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन, इसमें आपको जो बड़े प्रोजेक्ट हैं तो और छोटे माइक्रो प्रोजेक्ट हैं दोनों पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा बीज, तीसरा उर्वरक, चौथा विद्युत या ऊर्जा, पावर। ठीक है, ये तुम्हारा 90 मार्क्स हिट करेगा, 90 मार्क्स जीएस में अकेले, ठीक है। अगला है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, संस्थागत कारक, संस्थागत कारक, ठीक है, आ जाओ पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में। पहला है लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, यानी किसके पास कितनी भूमि उपलब्धता, लैंड होल्डिंग्स यानी भूमि उपलब्धता, लैंड टेन्योर, भूमि अनुबंध अवधि, भूमि अनुबंध अवधि, लैंड टेन्योर। तीसरा लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। लो भैया, तीन बार, 3 times अभी तक भूमि सुधार पर क्वेश्चन आ चुका है। इस बार भी मेंस में आया था, बड़ा एक हास्यास्पद सा क्वेश्चन आया था कि भारत में भूमि सुधार की जो सफलताओं का वर्णन करिए। भाई भारत में भूमि सुधार जहां तक मुझे समझ में आता है कभी भी सफल नहीं रहा, लेकिन खैर दिया हुआ था क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है लैंड रिफॉर्म, ये अब तक 3 बार मेंस में पूछा जा चुका है जीएस पेपर 1 में, दैट हिट इन जीएस पेपर 1। चलो आ जाओ, अगला है क्रॉपिंग पैटर्न, फसल प्रक्रम, क्रॉपिंग पैटर्न। अगला है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादन। पांचवा एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी, कृषि सघनता।
कृषि सघनता, क्रॉप कॉम्बिनेशन, फसल या फसल ससंजस्य, ठीक है, कॉम्बिनेशन, फसल ससंजन या ससंजस्य, क्रॉप कॉम्बिनेशन, किस तरह का क्रॉपिंग का कॉम्बिनेशन आप लेकर चल सकते हैं। अगला है लैंड कैपेबिलिटी, भूमि की क्षमता, भूमि क्षमता। यूपीएससी ने थोड़े जो है वो टिपिकल वर्ड यूज किए, हम अपना काम उससे चला लेंगे आसान शब्दों में। एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री, अच्छा ये टॉपिक याद है मैंने इससे कब लिखाया था, इससे पहले कल, ठीक है, वहीं पर काम खत्म हो गया, यानी कि लिखो कृषि एवं सामाजिक वानिकी, एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री, वहीं पर पढ़ लिया, यहां काम खत्म हो गया हमारा। अगला है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस, और इसके, हरित क्रांति और इसके सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव, राइट। इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग, ठीक है, शुष्क खेती का महत्व। इसी में आप जो है वो, जिसे हम लोग कहते हैं कि जो ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकल इरिगेशन है, जो भी लगातार क्वेश्चन जिस पर आ रहे हैं सूक्ष्म सिंचाई मेथड्स का, यहां पर आप पढ़ाई करोगे। अगला है लाइव स्टॉक रिसोर्सेज एंड वाइट रिवॉल्यूशन, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, यानी कि पशुधन संसाधन, हर हालत में यहां तुम्हें एक क्वेश्चन जीएस में मिल जाएगा, पशुधन संसाधन और श्वेत क्रांति, जो दुग्ध क्रांति थी, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सरकार ने जो है डेयरी उद्योग को जो है वो उत्साहित करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट में पैकेज अनाउंस किया था। तो यहां पर बहुत अधिक संभावना है कि यहां पर जो है क्वेश्चन आएंगे वो यहां से तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, जीएस में। ये तो ऑप्शनल में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ऑप्शन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जीएस में यहां से तुम्हें सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है एक्वाकल्चर, ठीक है, जल कृषि यानी मछली पालन, एक्वाकल्चर, झींगा उत्पादन, मछली उत्पादन, ये सब एक्वाकल्चर में आता है, जल कृषि। सेरिकल्चर, एपिकल्चर एंड पोल्ट्री, मुर्गी पालन, रेशम पालन, रेशम कीट पालन, मुर्गी पालन इत्यादि, ये सारा का सारा जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें कुरुक्षेत्र से मिल जाएगा। मैं क्लास में नोट्स में इसको कवर करा दूंगा, बिल्कुल रिसेंट डाटा तुम्हें मिलेगा, इसके लिए बुक्स नहीं है, मजेदार बात ये याद रखना। अब यहां से तुम्हें जल्दी किताबें नहीं मिलेंगी मार्केट में। अगला है एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन, कृषि क्षेत्रीयता, क्षेत्रीयकरण, अगला है एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इतना ध्यान से पढ़ने के बाद तुमसे एक एग्रीकल्चर टॉपिक में से कतई कोई गलती नहीं होगी, चाहे वो पीटी में हो। लास्ट ईयर तक पीटी में 16-16 क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर से आए हैं, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर थे तुम्हारे। और जो 16वां टॉपिक है एग्रो इकोलॉजिकल रीजंस, यानी कि कृषि आर्थिक क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, एग्रो इकोलॉजिकल रीजंस। इन 16 में से 10 टॉपिक जीएस में सीधे सीधे हैं, बिना इधर उधर किए। बस उसमें एक चीज और जुड़ जाती, दो चीजें, वो होता है उसमें टेक्नोलॉजी, वो इसमें बाद में आएगी, ई टेक्नोलॉजी इन हेल्प ऑफ फार्मर्स, यानी कि जो नवीन सूचना प्रौद्योगिकी है वो कृषि के लिए, और दूसरा अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग, ठीक है, बस ये दो टॉपिक एक्स्ट्रा उसमें जोड़ते हैं, बाकी सारे टॉपिक आपको यहीं पर मिल जाएंगे। आ जाओ उद्योग, इंडस्ट्री, इसका सेकेंड पेपर तो इतना बेहतरीन है, क्या बताऊं,
इस तरह का सिलेबस दिया नहीं है। ये मैंने पिछले जो है 1976 से जो पेपर मैंने देखा है उसके हिसाब से मैंने वो क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया कि यहीं से क्वेश्चन वो पूछे गए हैं। अगर ये सिलेबस तुम्हारे पास है तो तुम बहुत तुम्हारा काम काफ़ी हल्का हो गया, नहीं तो इन्होंने जो है केवल लोकेशन फैक्टर देकर एक दो इंडस्ट्री का नाम देकर अपना काम किनारे कर लिया है। ठीक है, उसमें मैंने जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक वो सारा मैंने आइडेंटिफाई करके इसमें डाल दिया है। पहला है उद्योगों में लिखो, अगला टॉपिक जो है उद्योग, पहला है इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का उदय। तो भारत में इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज कहां से रहे, तो तुम्हें वो प्राचीन काल से पढ़ना है इसमें। अगला है लोकेशन फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन, ठीक है, उद्योगों उद्योगों की स्थिति के कारण, ठीक है, उनकी उद्योगों की स्थिति के कारण कौन कौन से उद्योग। पहला है कॉटन उद्योग, कपास उद्योग कि वहीं पर क्यों है, ठीक है, ये जीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कपास उद्योग उद्योगों के स्थायित्व के कारण, पहला है कपास उद्योग, दूसरा है जूट उद्योग, तीसरा है वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल, चौथा है आयरन एंड स्टील, ठीक है, यानी इस्पात लौह और इस्पात उद्योग, चौथा एल्यूमिनियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम। उसके बाद फर्टिलाइजर उर्वरक, ये तो पीटी में भी आया हुआ था क्वेश्चन, उर्वरक उद्योग, पेपर कागज उद्योग, केमिकल रसायन उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स दवा उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, ये तुम्हें इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्प करेगा पीटी में और मेंस में दोनों में, ऑटोमोबाइल उद्योग, कॉटेज लघु उद्योग कुटीर उद्योग जिसे कहते हैं, और एग्रो यानी कि कृषि उत्पाद उद्योग। इसी में रिसेंटली जोड़ लेना खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग, एग्रो में ही आ जाता है, इसको लेकर अलग से सीधे क्वेश्चन आ रहा है खाद्य प्रसंस्करण। याद करिए पीटी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेगा फूड पार्क के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, ये पीटी का क्वेश्चन था, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ मेगा फूड पार्क्स इन इंडिया। तो यहीं से आपको वो क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। अगला इसका जो थर्ड सब टॉपिक है औद्योगिक घराने इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यहां पर तुम्हें सरकार की नीतियां वीतियां सब पता चल जाएंगी। ठीक है, औद्योगिक घराने जैसे टाटा बिरला ये सब जो है ये कैसे काम कर रहे हैं, अंबानी रिलायंस समूह, ठीक है, इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो आपके लोक जो उद्योग हैं, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर पीएसयूज हैं। तो सरकार इसमें क्या होगा, ये पूरा करंट का टॉपिक है। अभी आपने क्या देखा, सरकार ने एयर इंडिया में जो है वो उसका निजीकरण करने की ठानी है कि नहीं, उसका जो है स्टैक बेचने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने इस बार भी बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि 40,000 करोड़ रुपए जो है विनिवेश से प्राप्त किए जाएंगे। तो सरकार का अपना पीएसयू में क्या कर रही है, अपनी भागीदारी को बेच रही है। तो यहां पर आपको ये आपका करंट बेस्ड टॉपिक है। दो दिन पहले की न्यूज याद करिए, अरुण जेटली साहब एक फंक्शन में थे और उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात किया था, याद है, कि भारत में सीएसआर का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से इतना करोड़ रुपया जो है वो आया, डाटा दिया था उसमें। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपको पता होना चाहिए कि सीएसआर सीधे आपके जीएस के सिलेबस में है, सीधे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी 3 दिन पहले की न्यूज में आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं। तो ये आपको जो है वो करंट बेस यहां से उठाना पड़ेगा, जो भी उस साल महत्वपूर्ण हुआ, जैसे एयर इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, तो वहां पर क्या होगा, ये सारा उसी के साथ आपका जाना शुरू हो जाएगा। सरकार क्यों कर रही, कुछ रुग्ण उद्योग है तो जो बीमार उद्योग है सिक इंडस्ट्रीज, उनको क्या कर रही सरकार, बेचने की कोशिश कर रही है सरकार, उसमें दक्षता लाने की कोशिश कर रही है। अब सरकार ने क्या हुआ, कैटेगरीज बनाई, महारत्ना नवरत्ना मिनी रत्ना ये सब क्या है, ये उन्होंने जो है कैटेगरीज बनाई, इनकी कैटेगरीज बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, महारत्ना के पास क्या इसमें सेगमेंट है, अगर आप 2 दिन पहले की बात याद करिए तो इंडिया का जो एक सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट सेक्टर है रेलवे, और रेलवे में भी आपको याद होगा 2-3 दिन पहले की बात है मुंबई में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, ठीक है, उसमें काफी लोग जो भीड़ कुचल कर जो मर गए, उसके तत्काल बाद जो डिसीजन हुए उन पर जरा ध्यान दीजिए,
उसमें डिसीजन ये हुआ कि जो वहां का जो अधिकारी होगा उसको जो है वो स्वयं से जो है वो वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ा दी गई, जो अभी तक क्या थी, नहीं थी। उसमें आप लंबे समय तक जो है अनुमोदन कराते थे, लंबे होता नहीं था। अब क्या हुआ, चाहे फुट ओवर ब्रिज बनाना हो, चाहे खर्चा करना हो, क्या हुआ, उसके अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे दिए गए। यही अधिकार जब होते हैं वो महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना में दिए जाते हैं। अगर महारत्ना है तो उसका जो सीएमडी है या एमडी है उसके पास ज्यादा निर्णय लेने के अधिकार होते हैं। तो ये जो है वो पहले यहां पर वित्तीय अधिकार काम करते हैं। अगला, इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन। जैसे हमने अभी तक एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन पढ़ा था, यहां हम इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन पढ़ेंगे, यानी कि औद्योगिक क्षेत्रीयकरण। अब आ जाओ, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति। ये कहां से तुम्हें मिलेगा, इंडिया ईयरबुक या गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ठीक है। मैं आपको इसके साथ पढ़ाऊंगा, ये करंट का टॉपिक है, नई औद्योगिक नीति। ये पीटी में भी जाएगा, मेंस में भी जाएगा। चलो अगला है मल्टीनेशनल एंड लिबरलाइजेशन, पूरा इकोनॉमिक का टॉपिक है। मल्टीनेशनल यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उदारीकरण। सिलेबस को ध्यान से देखिए, कितनी आपकी गहरी समझ होती चली जाएगी इसके साथ साथ। मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे काम करती हैं, क्या ये केवल फायदे के लिए काम करती हैं या ये लॉबिंग करने का काम करती हैं। अगर आज की न्यूज, कल की न्यूज किसी ने अपडेट की, और आज की न्यूज याद होगा, अभी अमेरिका में एक सबसे बड़ी हिंसक शूटिंग हुई है, वहां पर शूटिंग वाली नहीं हुई है, ये वाली हुई है, ठीक है, लॉस वेगास में जो है 58 पीपल, ठीक है, उसमें मतलब इतने लोगों को जो है वो गोली मार दी, मर गए वो लोग, इतने लोग घायल हुए हैं। आज से नहीं, अमेरिका में बहुत समय से जो उनकी हथियार लॉबी है, वहां पर हथियार खरीदना बहुत, उसमें आज पाया गया कि 19 से ज्यादा बंदूकें और तमाम असलहे उसके पास थे। वहां पे जो लॉबी है वहां इतनी पावरफुल है कि वहां का राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता। ओबामा ने कोशिश की थी, ओबामा के समय जो है वो स्कूलों में जो है वो इस तरह की शूटिंग इस तरह हुई थी। तो ये हुआ था, वहां पे एक सेगमेंट है नेशनल राइफल एसोसिएशन, NRA, ठीक है, ये वहां पर हथियारों का जो है सबसे बड़ा जो विक्रेता है। अब ये देखिए, ओबामा ने इसके विरोध में जो है वो उनसे हुआ कि अब क्या हुआ, हथियारों के ऊपर कर्ब किया जाए, हर आदमी हथियार लेकर ना चल सके। लेकिन क्या हुआ, ये इतनी ताकतवर लॉबी है कि वहां के राष्ट्रपति को भी स्टेप बैक करना पड़ा। और आज की स्टेटमेंट जरा डोनाल्ड ट्रंप की पढ़ो, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या ये सही वक्त है कि हम अमेरिका में हथियारों के ऊपर पाबंदी लगाएं, तो ट्रंप ने क्या किया, चूंकि रिपब्लिकन इस हथियारों के सबसे बड़े समर्थक हैं, ठीक है, इसके सबसे बड़े समर्थक हैं, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आज हिंदू में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था इट इज नॉट राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस, ये अभी बात करने का सही समय नहीं है, हमें उनके प्रति, मृतकों के प्रति क्या दिखानी है, संवेदना दिखानी है। इतनी पावरफुल लॉबी है। और आप आश्चर्य करोगे, जब ये चीजें आप पढ़ोगे तो आपको कई चीजों के बारे में पता चलेगा, जैसे मेडिसिन, जैसे हथियार, जैसे GM टेक्नोलॉजी। ये संसार की वो विवादित चीजें हैं जिसके बारे में अभी आप लोगों की समझ नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपकी समझ डेवलप होगी। अंदाजा लगाइए, मैं आपसे एक हथियार के बारे में बात करता हूं। दुनिया का 52% हथियार केवल ब्रिटेन और अमेरिका बनाता है, और दुनिया के सारे आतंकवादियों संगठनों के पास सबसे बेहतरीन किस्म के हथियार हैं जो वो स्वयं नहीं बना सकते। दुनिया का 100 में से 52 हथियार केवल अमेरिका और ब्रिटेन बनाते हैं, और दुनिया के इतने बेहतरीन जितने भी आपके जो हथियार हैं वो आतंकवादी संगठन जो है वो चला रहे हैं। कहां तक उन तक पहुंच रहा है, कौन उन तक हथियार पहुंचा रहा है, वो बेहतरीन से बेहतरीन राइफल्स हैं, बेहतरीन से बेहतरीन उनके पास हथियार है, वो फियादीन हमले कर रहे हैं, बॉम्ब है उनके पास, उनके पास इकॉनमी है। और दुनिया का हर 100 में से 52 हथियार कौन बनाता है, अमेरिका और ब्रिटेन बनाते हैं। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हथियार उन तक पहुंचाता कौन है, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया कैसी इनके लिए हित में होगी। और ये बहुत ताकतवर लॉबी है, वहां का राष्ट्रपति भी इसका कुछ नहीं कर सकता, इतनी ताकतवर लॉबी है। सरकारों का जो लॉबिंग आपको पता होगा अमेरिका में वैध है, और ये जो है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहां ये करते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इनके लिए दुनिया में अगर हथियारों का बाजार, इनका बिजनेस क्या है, इनका बढ़ाना है ना, तो कैसी दुनिया इन्हें चाहिए, शांत गांधीवादी, या एक दूसरे से भाई भाई से लड़ जाए, देश देश बर्बाद हो जाए, एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करते घूमे। इस NRA ने क्या कहा जब इसके ऊपर ओबामा ने अपना लाने की कोशिश की कि अब हथियारों को हम स्कूलों में कर्ब करेंगे, नहीं ले जा सकते, इसने कहा ये मत करिए, आप एक काम करिए और दो दो आदमी जो रख दीजिए उनको दो दो हथियार दे दीजिए ताकि हर आदमी अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। वाह, ये इसका स्टेटमेंट था कि हर स्कूल में जो है वो हथियार बंद गार्ड बढ़ा दीजिए, हथियारों को मत बंद करिए, ठीक है, और बिकने दीजिए हमारा, ये इतना भयानक है। यहां तक कि कई रिपोर्ट्स आप पढ़ोगे तो दुनिया के जो भयानक वायरस हैं ये दवा कंपनियां पैदा करती हैं,
दवा कंपनियां, क्योंकि जब बीमारी होगी तो दवा बिकेगी। बहुत इसके पीछे बहुत लंबा गणित है, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। जीएम टेक्नोलॉजी, मॉन्सेंटो, नाम सुना होगा, इसके पास है ये पेटेंट आईपीआर। ये किस पे गेम खेलती हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बड़ा मजा आएगा इसको जो है जीएस में भी और ज्योग्राफी में भी। अब तुम एक बात बताओ, इस जीएम क्रॉप्स की खास बात क्या है? मजेदार तरीके से देखना, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके जो है इसमें फल तो पैदा होता है, बीज नहीं पैदा होता। आपको अगली फसल बोनी है तो किसके पास जाना पड़ेगा? इस कंपनी के पास जाना पड़ेगा। अंदाजा लगाओ, ठीक है, ये पूरा विश्व है और इस विश्व के अधिकतर देशों ने धीरे धीरे जीएम टेक्नोलॉजी को अपना लिया। क्या बताया गया? लॉबिंग हुई किससे? उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा, खाद्य सुरक्षा मेंटेन हो जाएगी, कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, पर्यावरण बच जाएगा। और धीरे 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 विश्व के इतने हिस्सों ने इसको अपना लिया। क्या यह नव उपनिवेशवाद नहीं है? अब अचानक से इस कंपनी ने कहा कि भाई तुम्हारा जो ये देश है, ठीक है, इसकी खाद्य सुरक्षा, धीरे धीरे पता नहीं चलेगा 10 साल 15 साल 20 साल बाद जो परंपरागत बीज होंगे वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाएंगे। इट्स बहुत लंबा टाइम होता है, 190 साल तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया था, पहले दिन आए थे और उसने पूरे देश पे काबू नहीं किया था। बड़ा धीरे 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 वो सेगमेंट चलता रहा। 100 साल लग गए उन्हें प्लासी के युद्ध से लेकर और जो है जो इंडिया एक्ट आने पर, ठीक है, 1857 से 1857 तक 100 साल लगे थे, जब पहला प्लासी की लड़ाई लड़ी थी और जब ब्रिटिश रूल क्राउन का जो है वो रूल आ गया था। 100 सालों में धीरे धीरे कब्जा किया। अब आज देखिए भारत के केस में, भारत के केस में सुनीता नारायण का कहना है कि 40% परंपरागत बीज रिप्लेस किए जा चुके हैं, हट गए, गायब हो चुके हैं, किसानों के पास अब नहीं है, जो पहले वो बचा कर रखता था अब नहीं है। अंदाजा लगाइए कि आज से 20 या 25 सालों बाद जब पूरी दुनिया से परंपरागत बीज गायब हो गए और सारे बीज कौन से रह गए, तो अब इस देश को अपनी खाद्य सुरक्षा बचाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? और अगर ये देश कुछ ऐसे शर्तें रखता है कि भाई ये शर्तें आप मान लो तो हम आपके लिए ये रियायतें दे देंगे, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये फिर क्या होगा? यहां पर बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा, उस राष्ट्र की प्रभुसत्ता यानी सोवरेनिटी भी घुटने के बल बैठ जाएगी। इसे बोलते हैं नियो कॉलोनिज्म, नव उपनिवेशवाद। पहली बार उपनिवेशवाद ब्रिटिशर्स जैसे यूरोपियन लेकर आए थे तो क्या हुआ, युद्ध जीता था, ये सब किया था। इस बार युद्ध नहीं जीता जाएगा, इस बार इकोनॉमी कैप्चर कर ली जाएगी। इस बार जो है वो यहां से आएगा, इस बार न्यूज़पेपर में दिखाया जाएगा, जीएम जो है वो बहुत असरदार है, वैज्ञानिक कहते हुए नजर आएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, आप अंदाजा लगाइए, अगर इस देश का, मान लो ये मैं देश ले रहा हूं और मॉन्सेंटो का, भाई तुम्हारे देश के साथ हमारी पट नहीं रही है, ठीक है, चूंकि ये कंपनी किसकी है, अमेरिका की, कि भाई हम बीज की सप्लाई थोड़ा दिक्कत आ रही देने में, तो आदमी क्या होता है, युद्ध हो तो आदमी अपने सीने पे गोली खा लेता है, लेकिन अगर उसके बच्चे उसके सामने भूख से मर रहे हैं तो वो तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है। ये इंसान की बहुत बड़ी जो है वो लॉजिक होता है। सोचिए कि पूरे विश्व की राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या होगा उस कंडीशन में। तो यहां पर बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। आगे देखते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमी का सीधे टॉपिक है। अगला है टूरिज्म इंक्लूडिंग इको टूरिस्ट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन और राइट ज्योग्राफी ऑप्शन पे हम लोग अपनी बातचीत शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बात को देखा कि इसका वेटेज कितना है, दो पेपर में, पेपर वन और पेपर टू, 250-250 मार्क्स के दो हिस्से हमारे बनते हैं। इसकी खास बात हमने ये समझा कि ये डेरिवेटिव सब्जेक्ट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है पिछले दो सालों से वो ज्योग्राफी से जा रहे हैं, राइट, और ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत यूपीएससी इसके लिए बायस्ड है या कुछ अच्छा कर रहा है। इसका कुछ कारण कल मैंने एक्सप्लेनेशन किया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों में क्या कर देगा, कंपनसेशन कर देता है, राइट, कम से कम 300 प्लस मार्क्स आप जो है वो एसए और इंटरव्यू में अपना जो रिटन पेपर है जीएस का, खासतौर पे पेपर वन और पेपर थ्री, वहां पर क्या कर सकते हैं, अपना कंपनसेशन कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ 500 मार्क्स नहीं है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप वाकई में इसके साथ प्ले कर जाते हैं, इसको सही ढंग से अगर खेल ले जाते हैं तो ये आपको जीएस में बहुत तरीके से लेकर जाएगा। फिर अगली बात हमने ये की थी कि दो तरीके का सेगमेंट होता है, एक हमारा रेंज होता है 270 से 280 वाली रेंज, ठीक है, वन साइडेड रेंज होती है। सेकंड आपकी जो रेंज मूवमेंट करती है, राइट, सेकंड जो आपकी रेंज मूवमेंट करती है वो 310 टू 320, ये दो रेंज जो है वो मूवमेंट करती है। पहला मेरा जो मकसद रहेगा विद द हेल्पिंग कंप्लीटिंग द सिलेबस, पहले मैं आपका जो 270 से 280 मार्क्स कंप्लीट करा दूं, ठीक है, ये कंप्लीट होते ही आप बहुत हद तक निश्चिंत हो जाओगे कि मेरी कॉल आ रही है इंटरव्यू की। इंटरव्यू तक पहुंचाना जो है, अगर आप मेरे तरीके से काम करोगे तो इंटरव्यू की कॉल तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, स्ट्रेटजिकली अगर काम करोगे तो। यूपीएससी बहुत आप लोगों ने बताया होगा लोगों ने कि बहुत मेहनत वाला खेल है, नहीं, ये रणनीति का खेल है।
बहुत मेहनती लोग किनारे रह जाते हैं, और जिनकी स्ट्रेटजी टू द पॉइंट होती है, जिनको पता होता है कि कब कहाँ दांव खेलना है, कब आगे जाना और कब पीछे आना है, वो बहुत आराम से एक या दो अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। और हमारे आपके ही बीच क्लास में बहुत सिंपल सा शांत सा बच्चा बैठा होता है, पता ही नहीं चलता, और जब रिजल्ट आता है तो पता चला वो लिस्ट में है, और आप जो धूम धड़ाके के साथ क्लास में बहुत कूद फांद कर रहा था वो लिस्ट से बाहर होता है। उसका सारा जो खेल होता है वो रणनीति का खेल होता है। तो आपको पूरे होलसम सिलेबस को नहीं देखना है, राइट, पूरे होलसम सिलेबस को नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि भाई मेरे को कहां से कैसे उठाना है। तो ज्योग्राफी ऑप्शन को आप अपने कोर में लेकर आओ, इस तरह का यहां पर बात करेंगे, दो तरीके से हम यहां पर पढ़ेंगे। नंबर एक, आपका ऑप्शनल तो कंप्लीट हो ही हो, इसके साथ साथ आप जीएस एसए इन दोनों में जो है अपनी अच्छी पकड़ बना सको, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको अंदर लेकर जाएगा, राइट, यहां पर हम बात करेंगे। तो इसके साथ साथ आपका सेकेंड वाला जो है वो प्रिपरेशन होना चाहिए। याद रखना कंपटीशन में एक नियम काम करता है, ठीक है, तैयारी हमेशा जो है अपनी सर्वश्रेष्ठ करनी चाहिए, लेकिन तैयार हमेशा सबसे बुरे के लिए रहना चाहिए। तो मैं ये मान के हमेशा चलता हूँ कि जब क्लास में प्रिपरेशन हो तो हाईएस्ट लेवल पर जाकर हो, लेकिन आप हमेशा अपने सबसे बुरे पेपर के लिए तैयार मानकर आप एग्जाम में बैठो। मतलब वर्स्ट से वर्स्ट पेपर आ जाए तो भी मैं अपने आप को क्या करूँ, मैनेज कर ले जाऊँ, मेरे फेवर में आ जाए, खैर तो वो तो बल्ले बल्ले टॉप 10 रैंक में हम अपना देख लेंगे बातचीत, लेकिन अगर सबसे वर्स्ट पेपर आ रहा है उस साल का तो भी मैं अपने आप को क्या करूं, सिक्योर करके अंदर लेकर चले जाऊं, मेरी रैंक आ जाए, इतना हो जाए मेरा, ठीक है, नहीं आईएएस मिले तो आईपीएस में हम अपना डील कर लेंगे, अगले साल फिर देखा जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो यहां पर हम दोनों चीजें मेंटेन करते चलेंगे। कल मैंने आप लोगों को जब सिलेबस डील किया इसीलिए मैंने बहुत बारीकी से जो है वो सिलेबस के बारे में बताया। तो जो सक्सेस का फर्स्ट स्टेप होगा ये बिल्कुल आप ध्यान रख लो, कल मैंने थॉट मैपिंग किया था, सिलेबस को मैंने एक एक पॉइंट में ब्रेक कर दिया था, एक पूरी क्लास मैंने सिलेबस को डिफाइन करने में लिया था। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे खास बात है, नंबर वन, अगर तुम इस रेंज के लिए जाना चाहते हो, यानी कि पहले तुम अपना 270 से 280 मार्क्स 500 में सिक्योर करना चाहते हो ढंग से, तो सबसे पहले तुम्हें काम करना पड़ेगा सिलेबस का एंड टू एंड मूवमेंट करना पड़ेगा। पहला नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, अगर ये स्किप हुआ तो तुम गए काम से, यानी कि तुम्हें पहली बात इसमें मेरे एक एक यूनिट में 20 यूनिट है टोटल, दोनों पेपर में मिलाकर 10, पेपर वन में 10, पेपर टू में 10, पेपर वन में मैंने क्या कल बताया, यानी कि इसमें जो है वो 10 में से पहली यूनिट में 20 टॉपिक हैं, दूसरे में 14 टॉपिक हैं, यही हमने कल डिस्कस किया था, और सारा हम जो डिस्कस करते हैं फिर 11 टॉपिक, इस तरह करके हमें वो टॉपिक्स एकदम दिमाग में होने चाहिए। इतना सिंपल सा स्टेप है, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए। अब जियो मैग्नेटिज्म पर एक ही क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, भू चुंबकत्व सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिलेबस का पूरा एकदम दिमाग में खाका तैयार होना चाहिए। इसीलिए कल मैंने इतनी मेहनत की, वो क्या वर्ड यूज कर रहा है, वो उसकी रेंज क्या है, वो पूछना क्या चाहता है, राइट, जो जिन लोगों से नहीं अभी कल आए थे वो कम से कम आज नोट डाउन कर लेंगे, मैंने उसको पॉइंट वाइज सारा दे दिया। तो सिलेबस पहला जो है मैंने क्या बताया, जो यूनिट चल रही है उसका सिलेबस सामने दीवार पर चिपका दो, तुम्हें सिलेबस स्किप नहीं होना चाहिए, पहला है। अगर आप सिलेबस वन टू यानी एंड टू एंड जितने उसमें वर्ड मैंने यूज किए थे तोड़ के, ठीक है, उतने अगर आप खाली उनका दायरा भी पढ़ते चले गए कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, मुझे कोई शक नहीं है कि 250 मार्क्स, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी लेखन क्षमता है, 250 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे। इसके बाद क्या बताया था, सेकेंड एंड, यहां हमें पहुंचना है, ये आने का मतलब है कि तुम 100 रैंक में आ गए, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी जीएस ऑटोमेटिकली डेरिवेट कर देगा। पिछले साल का पेपर मैंने क्या बताया था, उठाकर जीएस का पेपर रख लो एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ ऑप्शनल का पेपर रख लो, और ऑप्शनल का पेपर पढ़ने के बाद जब जीएस का पेपर पढ़ोगे तुम्हें 15 क्वेश्चन एज इट इज तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज है, वही क्वेश्चन उठाकर इसमें रखा है, 15 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो 150 मार्क्स हो गए, बिना कुछ हिला डुला, बिना कुछ इधर उधर किए, आपको बिना मेहनत किए 150 मार्क्स क्या दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, फ्री है, एक तीर से दो निशाने, जैसे कहते हैं ना टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री, वैसे यहां मिल रहा है ऑप्शनल के साथ जीएस फ्री, ये दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहां पर, आपको ये मूवमेंट करना है। इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका 40 से 50 नंबर का मूवमेंट होगा ये उन्हीं के लिए मूवमेंट होगा, मारे कहां जा रहे हैं बच्चे, पेपर टू में, पेपर टू में मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं ये भी समझ लो, वो इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि पेपर टू में जो चार यूनिट है 10 में से उसके लिए बुक्स अवेलेबल, जैसे माजिद हुसैन हो गया, खुल्लर हो गया इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, ये बुक्स अवेलेबल है, लेकिन जो रिमेनिंग 6 टॉपिक हैं ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है,
ठीक है, मतलब जिसकी करंट अफेयर्स पे पकड़ स्ट्रांग है वो अगले 6 टॉपिक में बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। एज ले जाएगा, अच्छा नहीं, वो सीधे स्ट्राइक मारेगा, बहुत बढ़िया। और इतना बढ़िया सिलेबस ये सजाया गया है कि जिसने ये 6 टॉपिक कमांड कर लिया अब वो मारेगा जीएस पेपर 2 में, बहुत बढ़िया यहां से। तो कुल मिलाकर ये इतना बढ़िया बनाया गया है इसको सिलेबस को कि अगर इस सिलेबस को आप पूरा ओवरऑल गो थ्रू हो जाते हैं तो आप अपने जीएस में बहुत अधिक हद तक संभाल लेंगे। और कल मैंने आपको क्या बताया, जब हम लोग यूनिट 4 यूनिट 5 में डील कर रहे थे तो वहां से तुम्हें एससे का टॉपिक मिलना है भाई, ठीक है, एससे का 125 नंबर का टॉपिक मिलना है। अगर तुम मरी से मरी हालत में भी तुम 60 नंबर 125 में ला सकते हो, बड़े आराम से ला सकते हो, तो बड़ा एज आ जाएगा तुम्हारे अंदर, ठीक है, मरीज बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए। मेन बात क्या है कि बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए। तो कुल मिलाकर जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको लगभग 750 मार्क्स का खेल खेलना है कॉल के लिए, तब आपको बुला लिया जाएगा, इनवाइट कर लिया जाएगा, आ जाओ भाई, ठीक है, 750 से 800 बहुत है, इतना मोर देन इनफ है, इतना तुम्हें खेल खेलना है। और ये तुम बड़े आराम से इसी को जो है अपना थोड़ा सा ब्रॉड बेस बढ़ाते हो, अगर खेलते हो तो तुम्हारी कॉल आ जाएगी। इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एथिक्स में 110 नंबर तो तुम खींच लाओगे 250 में, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 100 से 120 नंबर के अंदर मार्जिन तुम लेकर चले जाओगे। और उसके लिए मैं तुम्हें 3-4 किताबें बता देता हूँ, अभी से आधा आधा घंटा पढ़ना शुरू करो, तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं आएगी। 4 किताबें तुम्हारी बेस होनी चाहिए, ठीक है, तो इतना आप लेकर आओगे तुम्हारी इंटरव्यू की कॉल तो आ जाएगी। इसीलिए कल मैंने आपसे बताया था सिलेक्शन दो तरीके से होता है यूपीएससी में। लोगों को लगता है कि भैया 2018-2019 में सिलेक्शन लेना है, ऐसे होता है सिलेक्शन, पहले अंदर घुसा जाता है, ठीक है, ये आपकी दीवार है, इसको तोड़कर अंदर घुसा जाता है। ऑप्शनल जो है वो इस लाइन को क्रॉस करा देता है, ये यूपीएससी की कट ऑफ लाइन है, ठीक है, तो ऑप्शनल जो है वो आपको अंदर बुला लेगा। इसके बाद ऐसे मूवमेंट किया जाता है रैंक में, ठीक है, 800-700 ऊपर जो है वो मीटर बढ़ता चला जाता है। तो जो ऑप्शनल है वो आपकी डेड श्योर जो है वो कॉलिंग बुला देगा, अगर आप उसको बहुत अच्छे से कर ले तो। उसके बाद आप जो अपना एथिक्स एसए जीएस ये आपकी रैंक तय करेगा कि आप पहली रैंक पे आओगे या 700वीं रैंक पे आओगे या 800वीं रैंक पे, लेकिन अंदर आपकी कॉल आ जाएगी ये बात तय हो जाएगी अगर आप ऑप्शनल जो है बहुत ढंग से मैनेज कर ले जाते हो। अब ऑप्शनल दो तरीके से पढ़ा जाता है, 4 तरह के, 2 कैटेगरीज आपकी तैयार हो चुकी है इस समय ऑप्शनल की 2013 के बाद से। एक ऑप्शनल वो जो जीएस में बहुत हेल्प करता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पबैड, आपका जो है जो सोशियोलॉजी है और पॉलिटिकल साइंस है, ये जो 5 ऑप्शनल हैं ये जीएस में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। एक जो बिल्कुल ही जीएस से सेपरेट है, जैसे साहित्य हो गया, लिटरेचर, संस्कृत, हिंदी, ठीक है, ये सारे जो आपका लिटरेचर हो गया या अदर जो आपके सेगमेंट्स हो गए, आपने कोई कोर सब्जेक्ट ले लिया, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह के जो हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स मैंने आपको नाम लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबैड, आपका जो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस है, इनकी सबसे खास बात, और थोड़ा बहुत फिलॉसफी, इनकी जो सबसे खास बात है कि ये आपके जीएस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेंगे। तो जब आप हिंदी साहित्य अगर लेता है कोई तो उसके पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए, वो क्या होगा, अपने ऑप्शनल के दायरे को तय करेगा। लेकिन अगर आपका इन 5ों में से कोई ऑप्शनल है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबैड, ठीक है, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, अगर इन 5ों में से कोई है तो वो डबल दृष्टि से पढ़ेगा। एक वो अपने ऑप्शनल को जो सेम 500 मार्क्स है इसके लिए भी पढ़ेगा, और इसी में से वो क्या निकालेगा, जीएस निकालेगा, बहुत तरीके से। इसीलिए दायरा एनलार्ज करके पढ़ो, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे तुम्हारे, बड़े आराम से, और स्टेप बाय स्टेप चलोगे तुम्हारी कॉल तो आ जाएगी इंटरव्यू की। बशर्ते पहला नियम क्या होगा, एंड टू एंड सिलेबस की आपको जानकारी होनी चाहिए। आप अगर सिलेबस के पॉइंट्स भी कवर करके चले जाते हो और लिखना आपको थोड़ा बहुत आता है और ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत फ्री हैंड ड्राइंग आती है तो मोर देन इनफ है आपके लिए, आप बड़े आराम से 250 मार्क्स कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रांग पॉइंट है वो पेपर 2 है, ठीक है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से पेपर 1 जो फिजिकल ज्योग्राफी है, 1 ऑफ द वो तो नेचुरली स्ट्रांग है, जो करंट अफेयर्स डील करने की वजह से जो यहाँ का सबसे लैग पॉइंट होता है वो पेपर 2 होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स मैं अभी आपको पूरा सिलेबस थॉट मैप करके दिखा देता हूँ कितना आसान है वो, तो करंट अफेयर्स होने की वजह से क्या है, मेरा सेकंड पेपर जो है बहुत वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट पॉइंट है, क्योंकि उसके लिए बहुत अपडेट रहना पड़ेगा। अभी मैं आपको सिलेबस का एक जो है तो इसका मैंने इंडियन ज्योग्राफी का पूरा गो थ्रू बना दिया है, एक बार आप उसको देख लेना, और मैंने उसका जो है एक प्रिंट बड़ा सा बनवा दिया है, ठीक है, यानी कि जो पोस्टर होता है वो पोस्टर साइज का दीवार पर लगा दो पूरा,
ठीक, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर चुका हूँ, अब आप तैयार रहिए। क्योंकि मैंने देखा है लास्ट बैच में, मैंने ये देखा था कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिलेबस पर कभी कमांड ही नहीं किया, ठीक है, उनको लगता था ये क्या चीज़ है, हमें तो जो पढ़ाया जा रहा है उतना देख लें। सिलेबस पर भी अगर चलोगे, मैं तुम लोगों को दो चार क्वेश्चन पढ़ के दिखा दूँ, ठीक है, तो तुम कहोगे यार क्या मतलब इस तरह के पेपर आता है, यही हम लोग इतना परेशान रहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक से देखो जरा, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए पृथ्वी की संरचना का, एग्जामिन क्रिटिकली स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है, जीएस में भी इससे टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत का विवेचन जो है वो उसके उसके बारे में लिखिए और तीनों जो है उसकी प्लेटों का वर्णन करिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस पे चले गए तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। कल मैंने क्या कहा था, समस्थिति से केवल दो ही क्वेश्चन से बताते हैं, समस्थिति सिद्धांत क्या है, व्हाट इज आइसोस्टेसी, इस संदर्भ में एरी और प्राट के मदों की विवेचना करिए, डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट कनेक्शन डिस्कस द व्यूज ऑफ एरी एंड प्राट, बस। तो मैंने क्या बताया था, कल एक चीज डिस्कस किया था कि जो सिलेबस के वर्ड्स होते हैं उनमें केवल क्या लगा दो, कल मैंने बताया था ना, उनमें क्या करना है, पहले क्या लगा दो, अपरदन क्या होता है, ठीक है, समस्थिति क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है, बायो जियोग्राफी में जो कल हम लोगों ने देखा था बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहले सब में पहला आपको क्या काम करना है, दूसरा सिद्धांत। सिलेबस पकड़ने के बाद हर वर्ड जितना भी है, इसीलिए कल मैंने एक एक वर्ड को डिफाइन किया था, उसमें क्या लगा दो, क्या होता है, यानी उसका मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग। दूसरा सिद्धांत, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इससे मुझे मतलब नहीं है, यहां आए हो तो कम से कम कुछ गेन करके जाओ। सेकेंड जो सक्सेस रूल होगा उनका मीनिंग, स्टूडेंट सबसे पहले यही मारा जाता है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, वो पूरा ज्योग्राफी उसकी क्लास खत्म हो जाती है और उसको सब्जेक्ट का मीनिंग नहीं पता होता, ठीक है, तो यानी सेकेंड स्टेप क्या होगा, मीनिंग आपको पता नहीं। मैं तुम्हें दसों क्वेश्चन पढ़ के दिखा दूं, ये पूरे 15 साल के क्वेश्चन में से तुम देखोगे आधा क्वेश्चन सीधे एक पार्ट जो होता है, फलाना चीज क्या होती है। भू संतुलन सिद्धांत की विवेचना कीजिए, डिस्कस द थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। अगला क्वेश्चन अगले साल पूछा गया है, ज्वालामुखी के प्रकारों पर टिप्पणी कीजिए। क्या यार, ये यूनिवर्सिटी टाइप का पेपर है, इसीलिए ऑप्शनल जो है आपको अंदर प्रवेश करा देता है, एक बार की मेहनत है, सिलेबस कंप्लीट, उसके जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। इसीलिए जब पहले दो ऑप्शन हुआ करता था, लड़के खाली ऑप्शन पढ़ते थे, जीएस वीएस नहीं पढ़ा करते थे, वो देख लेंगे थोड़ा बहुत इसी के साथ हो जाएगा, और बड़े आराम से, इसीलिए हिंदी बेल्ट का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता था, चार नोट्स लाकर रख लिया, ठीक है, और बढ़िया दबा के उसको रट्टाफिकेशन मारा, यूपी बिहार का एकदम छाया हुआ था, यूपी बिहार उस सिलेक्शन में बिल्कुल छाया हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया, अब कर दिया उसने वेरिएशन, ठीक है, मजेदार तरीके से। चलो अब देखो आइसोस्टेसी को कितनी बार पूछा है, अब मैं आप लोगों पे डर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, ये दूसरे साल पूछा है, अभी कितनी बार आइसोस्टेसी इस वर्ड एक बार आया, क्या है, क्या बार पूछा जा रहा है, समस्थिति की संकल्पना की व्याख्या कीजिए, बस। लगभग इसी तरह के क्वेश्चन हर साल वो घुमा घुमा के दिए रहते हैं। भू चुंबकत्व और पूरा चुंबकत्व सिद्धांत पर टिप्पणी लीजिए, एक बार इनका पूछा और अगली बार पूछा इनके अर्थ क्या होते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब पहला आपको क्या कॉन्सेप्ट, अपनी कॉपी में लिखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेप वन, सिलेबस पे स्टेप बाय स्टेप आपको रहना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट करना है। सेकेंड, जितने भी सिलेबस के वर्ड्स हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मीनिंग, उनके आपको मतलब पता होने चाहिए। भू आकृति विज्ञान क्या होता है, भू आकृति विज्ञान क्या मतलब होता है, भू आकृति विज्ञान का। जलवायु विज्ञान क्या है, जलवायु विज्ञान, ठीक है, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता। आइसोस्टेसी क्या है, आइसोस्टेसी, समस्थिति किसे कहते हैं। अगर ये आपके लगभग हर उसमें 15 से 20 आपको हर यूनिट में मिलेंगे, ऐसा करते करते कुल आपके पास लगभग 300 डिफिनीशन आएंगी, लगभग पूरे सिलेबस में अगर ये 300 डिफिनीशन आपको। पर्वत किसे कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया, पर्वत और पठार की संकल्पनाओं में जो है वो विभाजन करिए, पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है। सिर्फ जो है कोबर ने अपनी बात कही, स्टॉलर ने अपनी बात कही, इसमें क्या होगा, कल मैंने आपको क्या बताया था, व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, कल मैंने बात किया था कि इसमें पर्सनालिटीज, जिसने ये बात कही है उसी के बारे में आपको जानकारी लेनी। तो सेकेंड आपका क्या हो गया, मीनिंग, फर्स्ट स्टेप सिलेबस पे आपकी पकड़, सिलेबस एंड टू एंड आपको पता होना चाहिए, नंबर एक। सेकेंड, जितने भी वर्ड यूज होंगे वो आपके स्किप नहीं होने चाहिए, अगर आप वाकई में फर्स्ट स्टेप में ही इतना मारना चाहते हो, और ये अगर गया तो लिखवा के ले लो मेरे को, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर ज्योग्राफी ऑप्शन के साथ डील कर रहे हो तो तुम्हारी इंटरव्यू की कॉल कोई रोक नहीं पाएगा, अगर यहां तक तुमने मार दी, क्योंकि जो लड़का ज्योग्राफी ऑप्शन में 280 मार रहा है वो जीएस में बड़े आराम से 300 प्लस मार्जिन ले जाएगा, बड़े आराम से लेकर जाएगा, पेपर वन में भी और पेपर तीन में भी, और ऐसे भी मारेगा वो 125 नंबर के आसपास का।
तो बड़े आराम से उसका जो है ये समअप बनेगा और वो खींचा जाएगा। अब वो इंटरव्यू में उसको डील करना है कि इंटरव्यू में वो इंटरव्यू देता है या इंटरव्यू लेता है, ठीक है, ये उसके ऊपर है। ये बाद में मैं तुम्हें सिखा दूंगा, दो तरीके से इंटरव्यू किया जाता है, एक इंटरव्यू दिया जाता है और एक इंटरव्यू प्लान किया जाता है कि तुम मुझसे वही क्वेश्चन पूछोगे जो मैं चाहता हूं, ठीक है। इसको मेथड ऑफ स्पीकिंग बोलते हैं, ठीक है, उनका जो है इसको इंटरव्यू प्लान किया जाता है। चलिए ये हमारा बात हो गया। सेकेंड आपको क्या करना है, मीनिंग स्क्रिप्ट नहीं करना है अगर आप सक्सेस चाहते हो। थर्ड स्टेप इसमें आती है शब्दावलियां, वोकैब, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक डिक्शनरी बनाकर दे दूंगा, ज्योग्राफी की एक डिक्शनरी आती है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके थर्ड स्टेप के लिए। वोकैब, शब्दावलियां, एक राजभाषा की आती है, वो आप लोगों को नहीं मिलेगी, जो एक राजभाषा मंत्रालय की जो पब्लिकेशन आती है, बहुत प्राचीन है, बहुत लेकिन अच्छी मानी जाती है। इसमें शब्दावलियों के मतलब आपको पता है, जैसे गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, स्पिट क्या होता है, ठीक है, डेनुडेशन क्या होता है, जो ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, भूसन्नतियों से क्या तात्पर्य है, तो आपको इस डिक्शनरी से जो है वो सीधे सीधे मिल जाएगा। मार्केट में जो डिक्शनरी उसमें बहुत इनलार्ज करके दिया हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी टाइप का दिया हुआ है। मैं उसको जो है एक कंपाइल कराकर आप लोगों को दे दूंगा, उनकी जो शब्दावलियां, उनकी जो परिभाषाएं हैं, उनको आपको बस पढ़ते जाना है, क्लासेस में हम उसको डिफाइन करते जाएंगे। जो थर्ड स्टेप होगा ये शब्दावलियां होगा, चौथा स्टेप इनकी व्याख्या, जो भी कहा जा रहा है प्रश्नों को जो मैंने पढ़ के आपको बताया। आपको अगर मैं टॉपिक दे दूं, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल उठा लेता हूं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का, तीन क्षेत्रों से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बहुत बिल्कुल स्पेसिफाइड कर दिया इसमें, ठीक है। पहला होगा अंतर क्षेत्रीय, दूसरा होगा पराक्षेत्रीय इंट्रा रीजन, और तीसरा इंटरनेशनल। जैसे मान लो आप यूपी में हो तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर रह रहे हो, ठीक है। मान लो आप किसी कहीं पर पढ़ रहे हो तो आसपास के गांव देहात से हो, तो वहां पर वहां से उठकर आप क्या चले गए, इंट्रा रीजन, एक ही क्षेत्र में आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करके, पहला वो मूवमेंट होता है। दूसरा भाई आप यूपी में हो और आप आकर कहां काम कर रहे हो, दिल्ली में काम कर रहे हो, मुंबई में काम कर रहे हो, हैदराबाद में काम कर रहे हो, सेकंड जो है इंट्रा रीजनल हो गया। तो ये किस वजह से होता है, इसमें जो है दो फैक्टर काम करते हैं, एक को बोलते हैं पुश फैक्टर और एक को बोलते हैं पुल फैक्टर, पुश पुल, और तीसरा होता है इंटरनेशनल। जब अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए, तो यहां पर जो है वो कंटेम्प्रोरी, अब वहां पर क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये हमें पूरा इसमें समझना पड़ेगा। अगला है जनसंख्या, पॉपुलेशन, समस्याएं और नीतियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या, समस्याएं और उससे संबंधित नीतियां, पॉलिसीज। अगला है हेल्थ इंडिकेटर्स, इस समय तो समझ लो कि सरकार इस पर सबसे ज्यादा जो है काम कर रही है, स्वास्थ्य संकेतक, स्वास्थ्य सरकार के केंद्र में जब जा रहा, धीरे धीरे आप लोगों को मैंने करंट की क्लास में बताया भी था, जो पॉलिसी आपको बताई थी, न्यू हेल्थ पॉलिसी जो अब सरकार जो है लॉन्च करने की कोशिश कर रही, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बिल जिसे हम लोग बोलते हैं, तो नई स्वास्थ्य नीति आ चुकी है भारत में, उसके परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना है। यहां तक हो गया, चलो आ जाओ इसके बाद सेटलमेंट जी बेटा, हेल्थ इंडिकेटर, स्वास्थ्य संकेतक, अब क्या रह गया तुम्हारा, जल्दी जल्दी लिखा करो खटाखट, कहाँ रह गया, हेल्थ इंडिकेटर्स, पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, पड़ोसियों से देख लो, अब आ जाओ प्रवास, सेटलमेंट, पहला है ग्रामीण सेटलमेंट, ग्रामीण प्रवास का प्रकार और उसका पैटर्न, रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण अधिवास भी इसको हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट में, ठीक है, दिस इज नोन एज अधिवास सेटलमेंट्स। तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे होता है, ठीक है, उनका प्रकार क्या होता है, ठीक है, चाहे वो झोपड़ियों का प्रकार हो, उनका पैटर्न, उनका क्रम किस रूप में होता है, ग्रामीणों में क्या बिखरे बिखरे हिसाब से होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसा होता है, फिर उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, यहीं पर आ जाओ तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मिल जाएगा। भारतीय शहरों का वर्णन, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज, उनका प्रारूप, भारतीय शहरों का प्रारूप, भारतीय शहर कैसे बसे हुए हैं, तो हम उसमें एक नया शहर लेकर आ रहे हैं, आपको पता होगा
आया था मेंस में क्वेश्चन था कि नहीं स्मार्ट सिटीज, और इन दोनों को लिंकेज करने के लिए भी एक क्वेश्चन आया था, अमृत आया था कि नहीं आया था? ठीक, तो यहां से अगर तुम इसको पढ़ोगे तो यहां से तुम्हें एक एस्से का भी टॉपिक मिल सकता है, बताता जा रहा हूं कहां कहां तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, अगला है चौथा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटीज, भारतीय शहरों का वर्गीकरण, क्रियात्मक कार्य क्रियात्मक वर्णी वर्गीकरण, क्रियात्मक वर्गीकरण। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और उनका योगदान, मेट्रोपॉलिटन यानी बड़े बड़े शहर जो होते हैं, ठीक है, जो आपका मेगा सिटीज होती हैं, मेट्रोपॉलिटन अगला बहुत महत्वपूर्ण है, अर्बन स्प्रॉल, ये वर्ड बहुत इस्तेमाल किया जाता है, अर्बन स्प्रॉल, शहरी विस्तार। ठीक है, तो ये शहर अपने आप नहीं बसते, इनमें क्या होता है आसपास एक शहर में, मैंने आपसे क्या बताया था, कई शहर होते हैं। अगला है स्लम एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, झुग्गी झोपड़ी और उनसे संबंधित समस्याएं। क्या अभी नया रिजल्ट आया अभी दिल्ली के संदर्भ में कि दिल्ली के 30% युवा ड्रग्स लेते हैं और इसमें मैक्सिमम कहां रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के संदर्भ में जो है ड्रग्स का तो एक आया है, स्लम झुग्गी झोपड़ी और संबंधित समस्याएं। उसी में आजकल एक समस्या और निकल कर आ रही है, कालिंदी कुंज का एक इलाका है दिल्ली में, किस लिए अभी चर्चा में चल रहा है, रोहिंग्यास, ठीक है, रोहिंग्यास को वहीं पर बसाया गया उनको। अगला है टाउन प्लानिंग, इंपॉर्टेंट है, शहरी नियोजन, बस्ती नियोजन, टाउन प्लानिंग ऑब्लिक शहरी नियोजन, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, 9th वन। शहरीकरण की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की समस्याएं और उपाय, रेमेडीज और उपाय। ऐसा लग रहा होगा ऑप्शन नहीं, जीएस का तुम पॉइंट्स देख रहे हो सारा का सारा। क्षेत्रीय विकास और नियोजन, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, क्षेत्रीय विकास और नियोजन, राइट। पहला इसमें टॉपिक है एक्सपीरियंस ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, भारत में क्षेत्रीय नियोजन, भारत में क्षेत्रीय नियोजन का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ द रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। हालांकि थोड़ा सा आउटडेटेड हुआ है, बट 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं, जो अभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं में हमने क्या जो है हासिल किया, पंचवर्षीय योजनाएं, सेकंड है 5 ईयर प्लान्स। इसमें आपको क्या जोड़ना है, नया क्वेश्चन कहां से आएगा, नीति आयोग। अगला तीसरा है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, लिखो समन्वित, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। लो भैया पीटी के लिए सीधे सीधे माल मसाला है यहां पर, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीधे सरकार की प्रोग्राम एंड पॉलिसी। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुरुक्षेत्र और योजना का इश्यू उठाना है। पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, बताने की जरूरत नहीं कि ये जीएस मेंस में कब आता है और पीटी में कब आता है, इस बार भी मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन था पीटी में पंचायती राज से, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन से, ठीक है, लिखो पंचायती राज और विकेंद्रीकरण योजनाएं, पंचायती राज और विकेंद्रीकरण योजनाएं। आप देखो ज्योग्राफी का मजेदार सिलेबस क्यों मैं बता रहा हूं, पहले से अपनी धारणा को लेकर बैठे रहो। कमांड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, लिख लो कमांड एरिया, कमांड क्षेत्र विकास, जब किसी स्पेसिफाइड एरिया के विकास को लेकर हम बात करते हैं। अगला है वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड प्रबंधन, छठा वाटरशेड प्रबंधन,
वाटरशेड मैनेजमेंट। सेवेंथ आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे। इसमें तुम्हें नॉर्थ ईस्ट वाले क्वेश्चन जो है वहां सीधे सीधे मिलेंगे। अब देखते हैं कैसे। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, इसमें मैंने निकाला है इतने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें यूपीएससी का स्पेसिफिकेशन मैंने कर दिया, केवल इतने ही पॉइंट तुमने पढ़ लिए, तुम्हारे अभी इसके बाहर क्वेश्चन अभी तक नहीं गए हैं। देख लो, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों के विकास का नियोजन, कौन कौन से क्षेत्र हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों के विकास का नियोजन। ए, बैकवर्ड एरिया, पिछड़े क्षेत्र, तो आपको सबसे पहले बैकवर्ड एरिया पे जाना, ये पॉलिटी का पूरा पार्ट है, ये पॉलिटी एंड प्रोग्राम एंड पॉलिसी। दूसरा, मरुस्थल, डेजर्ट एरिया। तीसरा, सूखा प्रभावित क्षेत्र, चाहे वो मराठवाड़ा हो चाहे विदर्भ हो, ठीक है, ये सारा का सारा इसी क्षेत्र में आ जाता है, बुंदेलखंड रीजन हो। और इस बार अभी आपने देखा कि साउथ इंडिया जो है कर्नाटक का क्षेत्र है, इसी वजह से ये जो नदी परियोजना में दिक्कत हो रही है उसी वजह से हो रही है। ड्रॉट प्रोन एरिया, अभी आप लोगों को याद होगा हाल ही में सरदार सरोवर डैम का जो है उद्घाटन किया गया, काफी एक बहुत बड़ा जो है घटना, उसमें आपने क्या, उसमें एक बोला गया कि इसके माध्यम से ये जो तीनों राज्य हैं इस, ठीक है, यहां पर क्या होगा, हम एक सदा हरित क्षेत्र के रूप में इसको डेवलप कर पाएंगे और पूरी सिंचाई की संभावनाएं यहां पर नर्मदा घाटी में हम पैदा कर सकते हैं, एमपी और गुजरात में स्पेशली और महाराष्ट्र में भी, ठीक है। तो ड्रॉट प्रोन एरिया, सूखा प्रभावित क्षेत्र। अगला है पहाड़ी क्षेत्र, हिल एरिया, और इसके बाद जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरिया। इतने में ही तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल एरिया। अगला है मल्टी लेवल प्लानिंग, ठीक है, मल्टी लेवल प्लानिंग, बहुस्तरीय नियोजन, बहुस्तरीय नियोजन। इसके बाद जो नवा टॉपिक है इसमें वो है क्षेत्रीय नियोजन, रीजनल प्लानिंग, क्षेत्रीय नियोजन तथा द्वीपीय क्षेत्रों का विकास, तथा द्वीपीय क्षेत्रों का विकास, भारत में द्वीप चाहे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, द्वीपीय क्षेत्रों का विकास। अब आ जाओ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप देख लो, पहला जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है, लिखो भारतीय संघवाद का भौगोलिक आधार, जियोग्राफिकल बेस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद का भौगोलिक आधार। यहां पर तुम्हें समझ में आएगा कश्मीर का मुद्दा, यहां पर तुम्हें समझ में आएगा जो है वो नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा कि वो कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हें यहां पर समझ में आने शुरू हो जाएंगे। अगला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राज्य पुनर्संगठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, तो राज्यों का जो बंटवारा, राज्यों का जो है फिर से ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है, इस समय आपने गोरखालैंड का मुद्दा पढ़ा होगा, ये सब यहीं पर सब करंट से है सारा का सारा टॉपिक। इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का उदय, नए राज्यों का उदय, चाहे वो भाषा के आधार पर, जीएस में सीधे क्वेश्चन आया था इस बार, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो बोली के आधार पर हो, चाहे वो आपका धर्म के आधार पर हो, सभी के उसमें क्या हो रहा है, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। रीजनल कॉन्सियसनेस एंड इंटर स्टेट इश्यूज, लिखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी पूरा करंट का कॉन्सेप्ट है, क्षेत्रीय क्षेत्रीयता की भावना और अंतर्राज्यीय, क्षेत्रीयता की भावना और अंतर्राज्यीय मुद्दे, इंटर स्टेट इशू। अब जैसे राज ठाकरे का स्टेटमेंट कि भाई मुंबई में जो भीड़ है वो यूपी और बिहार के लोगों की वजह से, कावेरी विवाद, जल विवाद को लेकर बातचीत चल रही है, तो यहां पर कभी क्षेत्र को लेकर, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन के बीच को लेकर, द्रविड़ियन को लेकर, आर्यन को लेकर ये जो विवाद चलता है वो इसके साथ साथ जुड़ा होता है। अभी आपने क्या देखा, जो कर्नाटक में अलग झंडे का मुद्दा आपने देखा था कि नहीं, इधर जो लिंगायत समुदाय है वो अपने आप को हिंदू धर्म से अलग करने की मांग कर रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये रीजनल क्या है, कॉन्सियसनेस है, ये क्षेत्रीय जो है वो उनका उद्गार है, उनका अपनी पहचान के साथ वो रखना चाहते हैं कि हमारी ये पहचान है। अगला है इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड इशू, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और संबंधित मुद्दे। तो आपको पता है कि 7 देशों के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, किसके किसके साथ, मेरा बचपन का सपना था
बचपन का सपना था MBA करने का, बताया था ना, 7 देशों के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार, भूटान और एक बहुत छोटी सी सीमा अफगानिस्तान से लगती हुई प्रतीत होती है जो POK का पार्ट है। तो कितने देशों के साथ? BCPN MBA 7 कंट्रीज के साथ लगती है। और ये सभी जो है, खास बात है इसमें, हमें बहुत मूलभूत तत्व पढ़ने हैं। इन सभी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें ज्यादातर पिछड़े हुए हैं, ठीक है। यहां पर जो है वो धार्मिक पहचान जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड है। यहां तक ये तक कहा जाता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तानी को अमेरिका का वीजा आसानी से मिल सकता है, भारत का नहीं मिल सकता, ठीक है। इतना हमारे आपस में डिस्प्यूट्स हैं। और इसी की वजह से हम यहां पर, जब तुम आधार पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि आज ब्रिक्स तो सक्सेस हो रहा है, आज बिम्स्टेक बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सार्क सक्सेस नहीं हो पा रहा है। ये अक्सर पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया में सार्क के सक्सेस ना होने के पीछे के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। यहीं से आप अपना आधार तय कर लेंगे। आ जाओ, आज ही की खबर सुबह सुबह की अपडेट करना शुरू कर दो। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद, अभी आपने क्या देखा? हमारे नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार में घुस के मारा, ठीक है, इससे पहले भी किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया, और आज देखिए हमारे यहां फियादीन हमला हो गया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है, इंडियाज रोल इन वर्ल्ड अफेयर, ठीक है, वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका, नो डाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके लिए तुम्हें, इस वाले पार्ट के लिए तुम्हें एक मैगजीन आती है वर्ल्ड फोकस, वो पढ़नी पड़ेगी। ये सब किताबों से गायब है, यहीं पर बुक्स सारी खत्म हो चुकी है। 3 यूनिट के बाद तुम्हें एक भी किताब नहीं मिलनी है, ठीक है, यहां सब हमें करंट से जोड़ना है। लेकिन अंदाजा देखो, अगर ये सब तुम तैयार कर ले जाते हो ऑप्शनल के समय में, तो GS में कौन सा तुम्हारा हिस्सा बच रहा है, ठीक है, तुम खुद बता देना मुझे। इंटरनेशनल सिक्योरिटी अभी तो अगला आना बाकी है, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडियाज रोल इन वर्ल्ड अफेयर, ठीक है, भारत की भूमिका बढ़ती चली जा रही है। अगला है जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया एशिया एंड इंडियन ओशियन। आपको पता है GS पेपर 1 में सीधे सीधे टॉपिक है, लिखो जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया, दक्षिण एशिया की भू राजनीति और हिंद महासागर क्षेत्र। PT में सीधे एक बार क्वेश्चन था कि नहीं था हिंद महासागर को लेकर, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया, दक्षिण एशिया की भू राजनीति और हिंद महासागर क्षेत्र। तो हिंद महासागर में चीन बहुत तेजी से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, हमें यहां पर इसको पढ़ना है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ 10वां टॉपिक, कंटेम्प्रोरी एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, समसामयिक और पारिस्थितिक मुद्दे, ये 10वां यूनिट है। समसामयिक और कंटेम्प्रोरी एंड इकोलॉजिकल इश्यूज और पारिस्थितिक संबंधी मुद्दे। पहला है एनवायरमेंटल हैजार्ड, ठीक है, पर्यावरणीय संकट, जिसमें लैंडस्लाइड्स, कैसे पढ़ना होगा ये सारा का सारा जो है वो न्यूज़पेपर बेसिक अपडेट्स हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर बेसिक अपडेट्स हैं। क्या करना होगा इसमें? अभी आपको याद होगा कि एक बस जा रही थी और उस पर जो है मलबा गिर गया और क्या हुआ, उसमें कई महिलाओं की मौत हो गई, इसमें मैक्सिमम MP की थी। लैंडस्लाइड्स की वजह से उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, यहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पहला भूस्खलन, दूसरा भूकंप, अर्थक्वेक, अभी आपने देखा मैक्सिमम में कितना भयानक आया, आपको भारत के संदर्भ में इसको अपडेट करना है। अर्थक्वेक क्षेत्र कौन कौन से हमारे यहाँ, सुनामी, आपको पता है 2004 में भयानक सुनामी आई थी, ये सब GS पेपर 1 का सीधे मुद्दा है। वहां पर भी अगर तुम अभी उठाओगे GS का सिलेबस तो तुम्हें सीधे सीधे ये दिखाई पड़ जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। सुनामीज, फ्लड एंड ड्रॉट्स, पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा ये सब हमें रिपीट करना है और कुछ नहीं है, यानी कि बाढ़ और सूखा। इसके बाद एपिडेमिक्स, महामारियां, ठीक है, महामारियां जैसे हैजा या भूमिगत जल का अगर कुछ नुकसान हो जाता है, कोई बीमारी अचानक से फैल रही है। अब जैसे बलिया क्षेत्र में क्या होगा, वहां हैवी मेटल जा रहे हैं, मरकरी, और उसकी वजह से हड्डियां क्या हो रही हैं, टेढ़ी होती चली जा रही हैं, दूषित पानी की वजह से संक्रमण हो रहा है, एपिडेमिक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड जो है, इश्यू रिलेटिंग टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित मुद्दे। कुछ भी ना करो तो तुम्हें 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें यहीं से सीधे मिल जाएंगे प्री में। चेंज इन पैटर्न ऑफ लैंड यूज, ठीक है, भूमि के इस्तेमाल का बदलता पैटर्न, भूमि के इस्तेमाल का बदलता पैटर्न,
हम इंडस्ट्री पे ज़्यादा जाएंगे, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा जाएंगे, कैसे करेंगे? अगला जो फोर्थ वन है, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का सिद्धांत, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का सिद्धांत और उसका प्रबंधन, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। अगला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फूड सिक्योरिटी, जनसंख्या विस्फोट और खाद्य सुरक्षा, बस अंतिम कुछ टॉपिक है, जनसंख्या विस्फोट और खाद्य सुरक्षा। अगला है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सब कुछ आप जो है वो पेपर वन के यूनिट फाइव में पढ़ चुके होंगे, सिर्फ भारत के संदर्भ में इसको अपडेट करना है, इसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय अमूल्यन, ये समझ लो कि ये सारा का सारा जो टॉपिक है ये प्री का टॉपिक है, तो मैं अलग से कुछ भी इसमें आपको अपडेट नहीं करना होगा। अगला डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण एंड सॉइल इरोजन, कहां पढ़ चुके होगे? पेपर वन के यूनिट फोर में पढ़ चुके होगे इसको, डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण, मरुस्थलीकरण और मृदा अवनयन, हर साल सीधे क्वेश्चन यहां से आते हैं पीटी में। अगला है प्रॉब्लम ऑफ एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, कृषि और औद्योगिक विद्रोह की समस्याएं, असंतोष की समस्याएं। अब क्या हुआ, भूमि ले ली किसानों की, सिंगूर का केस याद होगा आप लोगों को, तो वहां पर अनरेस्ट हुआ। औद्योगिक में क्या होता, तालाबंदी, हड़ताल, ठीक है, ये अनरेस्ट है। अगला है रीजनल डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, क्षेत्रीय आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएं, उसी की वजह से क्या होता है, माइग्रेशन होता है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये पहले जब पढ़ लोगे प्रवसन तो यहां पर वो अपने आप हो जाएगा। तो गुजरात मुंबई क्या है, डेवलप है, यूपी बिहार पिछड़े हुए, तो भागकर यहां से वहां जाएंगे, ठीक है। अगला दसवां है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, धारणीय, धारणीय समृद्धि और विकास की अवधारणाएं, धारणीय समृद्धि और विकास की अवधारणाएं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कल आप लोगों ने देखा था यूनिट फाइव में हमने पढ़ा था पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में, यानी कि पर्यावरणीय जागरूकता, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जाएगा स्वच्छ भारत, सरकार का सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्वच्छ भारत अभियान। लिंकेज ऑफ रिवर आ गया, देखो पहले ही बात किया था, नदी जोड़ो परियोजना, ये जीएस में भी होगा, ऑप्शन में भी होगा। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इस बार पीटी का भी क्वेश्चन आया था भूमंडलीकरण पे, लिख लो भूमंडलीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इस बार पीटी में आया था, लास्ट ईयर मेंस में आया था, 25 साल हो गए ना, भूमंडलीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तेरह सब टॉपिक है, इतना भी गल, मतलब इसको मैंने बहुत बारीकी से जो है वो तोड़ दिया 76 से लेकर अभी तक के पेपर के आधार पर कि कितने क्वेश्चन कहां से जो है इन्होंने आइडेंटिफाई किए, और इसमें से जो 40% टॉपिक है वो एक्चुअली में टॉपिक ही नहीं है, वो एक ही के बार बार घुमा घुमा के, जब हम लिंकेज ऑफ रिवर, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये पेपर वन में ही हम खत्म कर चुके होंगे, और इतना करने के साथ साथ ये तुम्हारा पीटी का सीधे सीधे सेगमेंट है, कुछ करना ही नहीं, पीटी का यहां से क्वेश्चन जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर वे में पढ़ेंगे तो पीटी, मेंस, जीएस और ऑप्शनल तीनों हम संभाल ले जाएंगे, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स रहे, मैं इतना चाहता हूं कि कल जब आप आए तो आप अपने सिलेबस को बड़े ध्यान से पढ़कर, मैं भू आकृतिक विज्ञान कल से शुरू कर रहा हूं, भू आकृतिक विज्ञान क्या है, किन लोगों ने इसके योगदान में जो है अपना महत्व दिया, ठीक है, और इसके बाद की क्लास में मैं हटन की थ्योरी पर जाऊंगा और मैं आपको 10 प्रिंसिपल्स बताऊंगा। मेरे पढ़ाने का तरीका यह है, मेरा मानना है कि हर बिल्डिंग कुछ खंभों पर टिकी हुई है, आधार पर, नींव पर, उसी तरह हर सब्जेक्ट अपने कुछ कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है, तो जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अगर हम उन कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ बना लें तो हमारे लिए बाकी चीज़ें आसान होंगी। जियोमॉर्फोलॉजी में 10 नियम काम करते हैं, वो 10 नियम अगर हमारे पास हैं तो हम बड़े आराम से जियोमॉर्फोलॉजी को
समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम इस कल की क्लास में जो है पहले शुरुआती दौर पर मैं आपका बेस बनाऊंगा, जियोमॉर्फोलॉजी है क्या, किन लोगों ने इसमें योगदान दिया, और दो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आएगा कि यूरोपियन स्कूल ऑफ थॉट्स और अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट कौन कौन से हैं, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट क्या होते हैं, ये इन लोगों ने जो आपके जो भूगोल वेत्ता थे इन्होंने क्या योगदान दिया। इसके बाद समय काल कैसे मूवमेंट करता है हमें ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब मैं आगे चलकर कोई भी चीज़ यूज़ करूँगा तो वो आपको याद होना चाहिए, कार्बोनीफेरस कब था, ठीक है, ये चट्टान कैम्ब्रियन युग में पाई गई, तो अब आए नहीं करेंगे कि भैया ये कब की बात है, ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, वो अपडेट होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको वो 10 सिद्धांत बताऊंगा जिन सिद्धांत पर, ये थॉर्नबरी का प्रिंसिपल है, इन 10 सिद्धांतों के अंदर ही पूरी जियोमॉर्फोलॉजी सिमटी हुई है, उसके बाद हमें उसको क्या करना है, निकालकर फैलाते जाना है। तो ये हमारा जो है वो क्लास चलेगी, कल आप 9 बजे आइए सेम अपने टाइम पर, ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो 2 दिन का ये जो हरक्यूलियन एफर्ट हुआ ये इसीलिए था, इस सिलेबस को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर ये सिलेबस भी पॉइंट टू पॉइंट रहे और जो 6 स्टेप मैंने आपको दिखाए थे अगर ये 6 स्टेप रहे तो 270-280 मार्क्स आपका कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते आज की बात जो मैंने आपको बताई वो आप प्रैक्टिस करें। 2 मैप, ठीक है, 10 मिनट का टाइम, खेलने का तरीका जो बता दिया, न्यूज़पेपर में आप जो भी करोगे एक ब्लैंक मैप की कॉपी आती है, ये आप क्लास में लेकर आओगे, ठीक है, ये आपके बैग में होना चाहिए, ध्यान रखना, जिस दिन नहीं रहेगा एक बार वार्निंग देके फिर अगले दिन मैं क्लास से निकाल दूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कैसे आप मूवमेंट करोगे। सो यहाँ पर आप वो काम करिए, 10 मिनट बैठिए, एक दूसरे से खेलना शुरू करिए, बताता रहा हूँ, ये फ्री के मार्क्स हैं आपके, फ्री के मार्क्स हैं तुम्हारे, पहले 60 नंबर अपने किनारे कर लो स्टेप बाय स्टेप। अब जो सबसे बोरिंग पार्ट तुम लोगों को आएगा, अगर तुम्हारा फिलोसफी बेस्ड बैकग्राउंड नहीं है तो वो जीएस ऑप्शनल पेपर 1 के सेकंड पार्ट में आएगा, जब पर्सपेक्टिव पे पहुंचोगे, मानव भूगोल के सिद्धांत, इन्होंने फलाने ने ये कहा, ये बड़ी बड़ी बातें जब चलेंगी वहां तुम्हें थोड़ी सी घबराहट होगी, तो हम उसको संभालेंगे बाद में, ठीक है, जहां से हमें मार्क्स मिल सकते हैं वहां पहले उठा लें, ठीक है। जी आप ऑप्शनल पेपर 2 में अगर आप गए तो आज आपको ये पूरा सिलेबस देखकर क्या लगा कि अगर मैं जो है ऑप्शनल पेपर 2 कंप्लीट कर लेता हूं ढंग से तो ये बताओ तुम्हें जीएस का पेपर तुमने पढ़ा तो होगा ही, पीटी का भी और मेंस का भी, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता था कि उसमें पूरा का पूरा जो मेरा जो है वो जीएस कवर हो रहा है, पीटी भी कवर हो रहा है, मेंस भी कवर हो रहा है। लेकिन यहीं पर तुम्हें सबसे बड़ी सावधानी है, मैंने क्या कहा, 3 यूनिट के बाद कोई बुक उपलब्ध नहीं है मार्केट में, कोई बुक नहीं है, तुम चाहे माजिद हुसैन पढ़ लो, खुल्लर पढ़ लो, ये ड्रेनेज जो परंपरागत था वही है, इसके बाद का जो 60 यूनिट है वो क्या होता है, वो जनरली जो होता है वो करंट अफेयर्स, यही वर्ल्ड फोकस, यही आपका जो इंटरनेशनल द डिप्लोमैट और आपका कुरुक्षेत्र, योजना, ज्योग्राफी एंड यू, यहां से कवर किया जाता है। मजेदार बात यह है कि यहां पेपर 2 कोई नहीं पढ़ाता, सभी स्टूडेंट ने मुझे यही फीडबैक दिया कि सर 2-3 यूनिट पढ़ाने के बाद नोट्स दे दिया जाता है, बोला ये पढ़ के चले आओ, और सेकेंड पेपर जो है वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है, इसमें स्टूडेंट जो है वो मार्जिन नहीं ले पा रहा है, और इसका मार्जिन जो है अगर पेपर 2 का आपने मार्जिन उठा लिया तो जीएस में अपने आप आपको मार्जिन मिल जाएगा, कुछ करना ही नहीं आपको, तो आप एक्चुअली में 500 नंबर इसके साथ नहीं डील कर रहे, आप 800 नंबर डील कर रहे हो, ये सोच के करो, और हम ढंग से कर ले गए तो मुझे पूरा यकीन है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो खैर न्यूज़पेपर में आया था, आप लोगों ने पेपर पढ़ा भी होगा कि 300+ सिलेक्शन इज गिवन बाय द ज्योग्राफी ओनली, तो ऐसा कोई जादू नहीं है, उसके पीछे खेल यहाँ पर है, और उसमें भी ज़्यादातर वो बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट किया था, बड़ी मजे, उनको कोई ज्योग्राफी नहीं पता थी, उन्होंने बस उसी तरह पढ़ा जैसे उनको पढ़ना था, कि ऑप्शनल भी मेरा सज जाए और मेरा जीएस भी सज जाए, ठोक दिया उन्होंने, कोई टेंशन नहीं है, तो टोटल मार्क्स उनके बढ़ गए, नंबर तो रैंक तो टोटल मार्क्स बनती है, ठीक है, तुम पा गए, तुम ऑप्शन में तुम्हें 350 मार्क्स मिल गए और जीएस में तुम जो है 200 क्रॉस नहीं हो रहे हो, तो कुल तो जब जोड़ा जाएगा तो नील बटा सन्नाटा हो जाएगा ना। चलिए कल मिलते।